Thank <laughs> you. Thank mm -hmm. you.

कुछ लोगों को ठीक कंफ्यूजन की आज छुट्टी होगी तो मैंने ग्रुप में इसलिए मैसेज डाल दिया जाएगा तो बहुत चढ़ना शुरू हो गया हां तो वही है तो मैंने तो मैसेज आ कि हमने पिछली लास्ट वीक पढ़ा क्लियर तो बताया था कि खराब हो अगर फिर भी लोगों ने, लो ने मैसेज दे दे, दे दे तो मैंने कहा ठीक है अब मैसेज दे दिया इनडायरेक्ट वाला मैसेज दे दिया था मैंने कहा कि क्लास हो रही है माइंडसेट मत करें सर अपना नहीं नहीं वो आ, क्या कहते हैं कर्नल गौस की कल एंजियोप्लास्टी हुई है तो आज वो घर पे ही है तो मैंने कहा मैं आपको लिंक दे दूंगा आप घर से ज्वाइन कर लीजिएगा मैंने डिटेल नहीं पूछी थी असल में वालेकुम अस्सलाम फाइन ले के आए ना आप फाइन ले के आए ना हाँ वरम

وعليكم السلام ورحمه الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني वर आप सब लोगों को खुश की जो हमारी पहली क्लास है उसके लिए आ, पिछली क्लास क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली थी जिस तरह मैंने बता दिया था कि इंट्रोडक्शन में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि हम इसको उसको इस कैसे पढ़ेंगे और क्या कुछ इसमें करेंगे क्या तरीक़ेक होगा वगैरह वगैरह तो आ, आज हम क्लासेस शुरू कर लेते हैं स्ट्रेट जिस तरह मैंने ग्रुप में मैसेज भी दिया हुआ था कि हम पहले ग्रामर पढ़ेंगे क्योंकि अच्छी खासी ग्रामर की एप्लीकेशन आ जाती है आयात में इसलिए तो अभी इस कोर्स में हमारा यही तरीका रहेगा कि पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे और उसकी फिर एप्लीकेशन जो है वो आयात में जहां जहां तक पढ़ते जाएंगे वहां वहां तक होती जाएगी वन से लेके फाइव तक जो पढ़ चुके हैं उसको तो हम पहली क्लास से ही अप्लाई करना शुरू कर देंगे और नई जो आप पढ़ते रहेंगे वो साथ साथ अप्लाई करते रहेंगे इनशाला इस तरीके से हम आज जो आ, लेसन है हमारा ट्वेंटी थ्री ए एंड बी इसके बाद ट्वेंटी थ्री सी एंड डी पढ़ेंगे फिर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव उसके बाद हमारा फर्स्ट क्विज होगा इनशाला तो यानी कि छह लेसन के बाद हम फर्स्ट क्विज रखेंगे अपना उसके बाद फिर करेंगे। उसके बाद quiz उस वक्त ग्रामर के हो चुके होंगे हमारे। तो फिर हम सिर्फ कुरान की ही एक फिर ग्रामर की एप्लीकेशन भी कर रहे होंगे उस पर तो अभी जब तक वहां तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक ये हाइब्रिड चलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम वीकली आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं ग्रामर पोर्शन में जो आ, किताब है आपकी इसमें एक्सरसाइजेस दी हुई है जैसे आज इसके पहले पांच लेसन हम कर लेंगे तो इनके पहले पांच लेसन की जो है ना आप एक्सरसाइज जो आखिर है मशक की हुई है वो इस हफ्ते के दौरान आप कर लें बहुत सारी चीजें तो आपको आती हैं तकरीबन कोई सेवेंटी परसेंट आपको ऑलरेडी आता है इसका बल्कि एटी परसेंट शायद कोई ट्वेंटी थर्टी परसेंट जो रह गया है वो साथ साथ हम करते जाएंगे इसीलिए आप देखें एक दिन में पांच लेसन कर रहे हैं इसके माशाला से तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो अभी तक वन से लेके फाइव तक पढ़ा हुआ है एक इसका क्विक रिव्यू कर लेंगे पिछली क्लास में भी हमने किया था क्योंकि एक दफा फिर कर लेते हैं कि जिस तरह हमने पिछली क्लास में बात की थी कि है, नहव है और तीसरी क्या चीज कही थी हमने ग्रामर में तीन पार्ट पिछली बलागा। हाँ बलागा तो आ, सर्फ के अंदर वही जो हरूफ हैं उनसे अल्फाज को बनाना और फिर इन्हीं अल्फाज को जो बनते हैं इनको जब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं वो नहब में आ जाता है और फिर जुमले में जो जोड़ियाँ अब तो आपने इसके जो इसलाहत हैं वो भी सीख ली हैं इस पर मुझे याद आया एक करेक्शन बुक के अंदर पहले पेज पर पे ये एक टाइपिंग मिस्टेक है इस तला लिखा हुआ है उसको आप करेक्ट कर लीजिए इस तला होगा क्योंकि इफ्ताल बाब से लफ्ज बनता है और इसकी जब मोनस करके आप जमा करेंगे तो फिर इस्तिलाहात बनेगा तो वहां पे शायद जबर रहे उसको काट करके आप जेर कर लें तो आमतौर पे प्रोनाशियशन इसकी लोग गलत करते हैं इसलिए ठीक है ना हम मगर अब तो आप अरबी पढ़ रहे हैं ना अब तो मैंने बता भी दिया कि किस बाब से है ये तो बाब इफ्त्याल से है तो अब तो आप तागे नीचे जेर ही लगाएंगे ना उसमें ठीक है चलें तो ये अब आपने सीख ली है तो हम उसको जुमलों में इस्तेमाल करना और फिर वो जो आखिर के हालात जिनसे उनकी अराबी हालतें वगैरह होती हैं नाव में जो पिछले क्यूजी फाइव में आपने पढ़ा है उसी को हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे जो रफा नसब और जर की हालतें इसकी हमने प्रैक्टिस की थी वहाँ पे अच्छी खासी इशारों के साथ तो एक दफ़ा फिर कर लें जैसे हमने अगर मुस्लिम से किया था तो मुस्लिम मुस्लिम और मुस्लिम ये हमारे हालत रफ़ा नसब और जर के इशारे थे तो ये जेन में बैठ जाएंगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली फिर हाथ से इशारा करते रहेंगे इसी तरह हमने कहा जमा में आते हैं तो हमने कहा था कि मुस्लिम मीना और मीना ये दोनों एक ही है मगर इशारे से हमें पता चल जाएगा कि ये नसब में और ये जर में है उसके बाद मुन्नस में भी हमने इसी तरह किया था कि जो वाहिद का सीखा है उसमें तो मुस्लिम तुन मुस्लिम तन और मुस्लिम तिन भी है मगर जब हम जमा में आते हैं तो फिर वहां पर मुस्लिम ठीक है याद है ना गुड चले उसके बाद फिर हमने असमाउल खमसा पढ़े थे अबू अहू हमू वगैरह उसमें हमने कहा था कि ये तब्दील होगी वाओअ अलिफ और या से तो उसमें फिर हमने कहा था कि अबुन की जो हालत रफा है वो है अबू ठीक है ना हालत नसब जो है अबा और हालत जर जो है वो अभी तो इसको भी अगर आप इशारों के साथ पक्का कर लेंगे तो आसान हो जाएगा फिर हमने कहा था कि कुछ गैर मुनसरफ होते हैं वहां पे हमने बात की थी इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर एक तो तनवीन नहीं आती है और दूसरा तीनों हालतें नहीं तब्दील होंगी दो ही हालतें होती हैं उसकी रफा नसब और जर के अंदर तो रफा में जैसे यहाँ पे इब्राहिम है तो इब्राहिम उसके बाद नसब में इब्राही माँ और न... जर में भी इब्राही माँ बोलेंगे तो जबान पे चढ़ेगा ज्यादा अच्छा हो जाएगा फिर जो मबनी है वो भी हमने पढ़ लिया था कि वो तो तब्दील नहीं होते हैं। तो उनकी तीनों हालतें उसी तरह रहेंगी आ, अगर अपनी पोजीशन के लिहाज से इसको हम कहते हैं कि महल्ल है जुमले में अपनी जगह के लिहाज से अगर वो हालत नसब या जर में आ रहा है तो इशारा जरूर हम कर देंगे वहां पे उसका मगर शक्ल उसकी वही रहेगी तो हो सकता है कि हाजा जब हालत रफा में है तो हम इस तरह इशारा कर देंगे कहीं पे हालत नसब में आएगा तो हम ये इशारा कर देंगे और कहीं पे हालत जर में आएगा तो नीचे की तरफ इशारा कर देंगे इसी तरह जिसमें इराब भी हालत तब्दील होती है मगर नजर नहीं आ रही होती इसलिए कि उसका लिखने का तरीका ऐसा है तो उसमें भी यही होगा हम जहाँ पे फाइल है मूसा ईसा उस तरह हम कर देंगे जहाँ पे अगर हालत नसब में है मफूल है तो हम इस तरह इशारा कर देंगे और अगर हालत जर में है तो फिर इस तरह इशारा कर देंगे ठीक है ना देखे मबनी जो है हम कहते हैं उसकी हालत तब्दील ही नहीं हो रही है ना वो तो है ही वही ठीक है अपनी जगह के लिहाज से हो सकता है मगर इसकी हालत तब्दील हो रही है ठीक है ना नजर इसलिए नहीं आ रही कि इमला का फर्क है तो ये वाले जो है ना ये मबनी अस्मा है। तो ये इनकी हालत तब्दीली नहीं होती है ठीक है ये बात है और ये मोरा बहन की इराबी हालतें तब्दील होंगी ठीक हो गया फिर हमने जुमले जब पढ़े तो हमने कहा एक जुमला इसमिया होता है जमला इसमिया की हमने कहा कि दो कंपोनेंट्स होते हैं एक उसका मुबतदा होगा और दूसरी उसकी खबर होगी और मुब्तदा और ख़बर हमने कहा था कि दोनों मरफू होते हैं आसान हो हो गया था काम फिर हमने कहा ज़ुमला इसमिया को जब इन्ना के साथ हमने पढ़ा तो हमने कहा इन्ना के साथ फिर अब हम मुब्तदा और ख़बर नहीं कहेंगे हम कहेंगे इन्ना का इसम और इन्ना की खबर ठीक है तो इन्ना का इसम जो है वो हमेशा मंसूब होता है तो हम देख लेंगे इस तरीके से और इन्ना की खबर जो है वो हमेशा मरफू होगी तो इशारा कर लेंगे फिर हमने इसी जुमला को जब काना के साथ पढ़ा तो हमने कहा कि ये अगेन मुबतला और खबर हम इसको नहीं कहेंगे काना का इस्म और काना की खबर कहेंगे हम इसको तो का, काना का जो इस्म है वो मरफू होता है इसको पक्का कर लें अपना के जिन जुमलों से आप याद रख सकते हैं शुरू में उनसे कर लें आगे जा करके तो फिर पक्का हो चुका होगा और काना की जो खबर है वो मंसूब होती है फिर हमने जुमला फेलिया में पहले इस तरह से पढ़ा के हो सकता है उसके अंदर फेल होगा फेल के अंदर भी फाइल हो सकता है और फाइल अलग से भी हो सकता है तो फाइल हमेशा हालत रफा में होगा और हो सकता है उसमें मफूल हो, हो सकता है जुमले में ना हो ये हमने बात की थी जुमला फेलिया ठीक है ना फेल और फाइल तो जरूरी है उसके अंदर और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अरबी जबान में कोई फेल ऐसा होता नहीं है जिसका फाइल ना हो ये बात हम पहले कर चुके हैं ना मैंने बताया भी था इसीलिए एचएस अरबों में नहीं होते क्योंकि उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई कोई चीज बना दी है किसी ने और बनाने वाला है नहीं जमीन बन गई है बनाने वाला नहीं ऐसा नहीं हो सकता अगर फेल अगर हुआ है कोई तो फाइल जरूर होगा उसके अंदर तो ये याद रख लें कि जो भी फेल है फाइल या तो छुपा हुआ होगा या जाहिर होगा तो जहां पे इस तरह से आ जाता है खलाका है अगर इसके आगे अल्लाह नजर आ रहे हैं हमें या थोड़ा और आगे भी आ सकता है जुमले में जरूरी नहीं बिल्कुल ही फेल के साथ मिला हुआ हो मगर कोई ऐसे में आपको जब आगे हालत रफा में नजर आ रहा होगा तो वो उसका फाइल होगा या अगर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है कि इसके अंदर जो छुपा हुआ है जमीर उसकी वो फाइल है उसका ठीक हो गया तो ये सब हम क्यूजी फाइव तक पढ़ चुके थे उसके बाद फिर हमने चार जोड़ियां पढ़ी क्योंकि इस कोर्स में डॉक्टर साहब ने वो जोड़ियां ही डाली हुई है मगर हमने आपको इश्लाहत पढ़ा दी थी तो हम वही इस्तेमाल करेंगे आज के दिन मैं सिर्फ उनको कर देता हूं जिस तरह से हमने कहा था कि अगर से पहले हरफो जर्रेंग या हरफे जर आ रहा है तो वो जार मजरूर की जोड़ी होगी जिसको हमने में क्या कहा था मुरक्ब रागे ऊपर शादे याद रखिएगा उसके बाद फिर हमने कहा के सिफत की जोड़ी कहा उसको जिसको हमने फिर कहा के या तो वो सिफत और मौसूफ है या नात और मनूत है बोलेंगे तो जबान पे चढ़े ठीक है ना सही तो इसको हमने सिफत की जोड़ी कहा था और इस तिलाहन क्या इसको कहा जाता है मुरकब तोसीफी उसके बाद फिर हमने इशारे में आ गए थे हमने कहा था कि असमाय इशारा में से कोई इसम से पहले आ जाए तो मुरकब इशारी बन जाएगा और फिर इसमो इशारा और हाँ मुशारुन ले, ले, इले ही है। ले हाँ, ले ले, जेर है ठीक है सही है और किताब में आप देखेंगे तो एक और असलाह नजर आएगी आपको बुक के अंदर हमने पढ़ी तो नहीं है मगर इसी में आ जाएगी तो वो भी मुशारुल लहू जिसके लिए इशारा किया जाए एक तो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है ना मगर जैसे मैं अगर इशारा कर रहा हूँ इस इनकी तरफ तो अगर आपके लिए कर रहा हूं तो फिर वो लहू जो है ना वो मुशारुल वो आ जाएगा उसके बाद तीसरा जो मुरकब था इसका इसलाही नाम हमने कहा था मुरकब इजाफी ठीक है ना मुरकब इजाफी में हमने कहा था कि एक मुजाफ होगा और एक मुजाफुन मुफन होगा यहाँ पे ताल्लुक़ की जोड़ी में हमने ये कहा था कि इनका आपस में ताल्लुक होता है जिसको हम इजाफत भी कहते हैं तो इसलिए इसको हमने ताल्लुक की जोड़ी कह दिया था और उसमें हमने कहा था कि ये हाँ एक पहला ऐसे में फिर जो दूसरा में वो हालत जर में आ रहा होगा ठीक है ना और इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि चलो ये आगे स्लाइडों में आ रहा है फिर उधर ही करते हैं एक ही दफा डुप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे अब इस कोर्स में जो चीजें हमने पढ़नी है एक स्लाइड पे देख लेते हैं ताकि आपको भी जहन में आइडिया कि ये कोर्स करने के बाद हम कहाँ पहुंचे हुए होंगे ये सारी रिवीजन है जो आप पढ़ चुके हैं नई चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको नई चीज़ें जो आएंगी वो अलग कलर में लिखी होंगी अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं आज उसका अदा हम करेंगे रिवीजन करेंगे इसम की तफसीत में हमने जिन्स अद वसत और एराब ये पढ़ा हुआ है ठीक है उसके बाद फिर हमने कुछ असमाये मुश्तक पढ़े थे जो डराइव नाउंस थे उसमें हमने इसम सिफ्त पढ़ी थी इसम तफजील इसम मुबालगा और इसम मकान ये कि उसी फोर के एंड पे पढ़ चुके हैं हम उसके बाद फिर अब ये जो इरादा करेंगे ना इराब का इसमें कुछ इजाफा होगा इस कोर्स में यानी कि अब नई चीजें यहां से तो शुरू हो रही है अभी तक तो क्यूसी फाइव चल रहा है यहाँ पे ये पढ़ तो आप चुके हैं मरफूहत मनसूबा और मजबूत मगर अब कुछ इजाफा करेंगे आप इसमें सिक्स में, में जब आएंगे तो उसके बाद फिर फेल की किस्में या आप क्यूसी थ्री में पूरा पढ़ चुके हैं सलासी मुजर्रदन है और टू में आपने पढ़ा और मजीदुल्फी जो है क्यूसी थ्री में पढ़ा तो ये इसमें हम कुछ और इजाफा नहीं कर रहे वही है जो आपने पढ़ लिया है उसमें आपने तस्निया भी पढ़ लिया था मोहनस के सीखे भी पढ़ लिए थे वो सारी चीज़ें फिर फेल की किस्में जो है ना ये अब इसमें पढ़ेंगे ये हमने वहाँ पहले नहीं पढ़ा था कि लाजिम क्या है मतदी क्या है उल्लो हम जिक्र तो करते रहे मगर कोर्स के सिलेबस में ये नहीं था इसलिए अलग कलर में लिखा हुआ है इसके साथ हम कुछ खासियात अबाब अब भी पढ़ेंगे कि भाई बब तफील से जो फेल आ रहा है उसकी क्या खासियत होगी और बा इस्तीफ़ाल से आ तो क्या खासियत होगी खसूसियात बहुत सारी है मगर जो मेन मेन मोटी मोटी है वो हम जरूर पढ़ लेंगे उसके बाद फिर फेल का जो अराब है ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्यू फोर में काफी लेसन हमने इस इससे किए थे कि फेल जो है उसकी अराबी हालत तब्दील हो रही होती है तो उसका थोड़ा सा रिविजन इस कोर्स में हम कर लेंगे फिर मोरब मबनी जिसकी हमने पिछले क्लास में भी बात की थी इससे फाइव में भी बात कर चुके हैं मुनरफ और गैर मुनसरफ ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी हम पढ़ चुके हैं अब इनको मजीद पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर फिर यादा करेंगे मरक्बात का कर, ये चारों मरकबात जो हमने पढ़ लिए, है इजाफी इशारी जारी तोसीफ़ी, यही चार जो जोड़ियाँ हैं उसकी और इसमें कुछ इजाफा भी अब कर लेंगे हम ठीक है वहां पर शायद सिर्फ इसम वगैरह की हमने बात की थी तो यहाँ पे फिर कोई जमा भी आ जाएंगे पूरा जुमला भी आ सकता है वो सारी चीजें फिर हम जुमला इसमिया फेलिया इनका भी अदा करेंगे कुछ इसमें इजाफे होंगे और फिर जुमला शर्तिया भी पढ़ेंगे जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था वहां पे आ, जो अः हरूफ उ शर्त फोर के अंदर पढ़ा था ठीक है ना जो जहां हमने पढ़ा था कि ये उसको आ, क्या कहते हैं अपना अपने बाद आने वाले फेल मुज़ारे को हाँ मजदूम कर देते हैं ठीक है ना तो ये अब पूरा जुमला जो है ना हम सीखेंगे कि जुमला शर्तिया में क्या क्या अज्जा होते हैं उसके इसके अंदर तो ये है टोटल आपका इस कोर्स के अंदर ग्रामर पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके बाद फिर आप पूरे कुरान करीम के ऊपर ग्रामर की अप्लीकेशन कर सकते हैं उसकी तरकीब आयात की आप कर सकते हैं आज का जो सबक है इसमें से जो पहली चीज थी वो इसम की तफसीलात ठीक है ना आ, अब ये मैंने जिस तरह पहले बताया कि अब याद ही है इसका Uh, मुदसर साहब पीछे वाली लाइटें ऑन कर लें प्लीज ये पहले हम सब पढ़ चुके हैं क्यूसी वन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कलमा जो है इसम फेल और हर्फ होता है यही तीन चीजें हैं ना इसके बारे में भी दो चीजें हमने पढ़ ली थी कि या तो नाम होगा या सिफ्त होगी फिर इसके बारे में भी दो चीजें पढ़ ली थी कि, कि किसी को काम के करने होने का पता चलेगा और कोई जमाना पाया जाएगा फिर हर्फ के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि इसमें और फेलों को मिलाने के लिए आता है इसका अपना कुछ नहीं होता है ठीक है डेफिनेशन नहीं होती है तो ये क्यूसी वन से हम पढ़ते आ रहे हैं हर लेसन में इसलिए इसकी रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है इसम की अलामत जो है ये भी हमने क्यूसी वन से ही पढ़नी शुरू कर दी थी कि या तो उसके शुरू में अल आ रहा होगा या तनवीन आ सकता है उसके आखिर में फिर उसके बाद कसरा यानी जेर उसके आखिर में आ सकती है वो भी हमने पढ़ा था कि कब कब आएगी दो जो बिल्कुल कॉमन से, से चीज़ें हमने पढ़ी कि अगर उससे पहले हर हरफ जर आ रहा है या वो मुज़ाफ़िल है, है ये सारी चीज़ें ये इसम जो है अगर हरफ निदा के बाद आ रहा है यानी कि या के बाद आ रहा है तो वो भी फिर इसम होगा या करके किसी फेल हर्फ को तो नहीं लगा सकते ना आप कोई इसम ही होगा ठीक है ना तो इसलिए यह भी एक पहचान होती है कि इसम की अलामत है उसके बाद अगर वो मुजाफ है जैसे हमने कहा कि मुजाफ मुजाफ मुजाफिल है तो उसमें जो मुजाफ है वो भी इसम होगा ठीक है ना ये वही इसकी मिसाले इसी तरह हैं जैसे अलहमद अलनासुकू तनवीन के साथ आ गया सरातन हदन रहीमिन ये हालतें भी चेंज हो रही हैं कसरा के साथ जैसे अल्किताबी और हरफ निदा के साथ या अल्लाह या नू हो या युहन नासु इसको कंफ्यूज नहीं करना है याद रखें हमने वहाँ पे मुनादा मुजाफ जो पढ़ा था उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे यहाँ पे ये अकेला आ रहा है जी आपका हाँ इसीलिए मुझे पता था ना कि कुछ लोग करेंगे इसको कंफ्यूज इसलिए पहले बता दू मैं कि इसको कंफ्यूज आपने नहीं करना इसके साथ ठीक है और मुजाफ़ तो इसी तरीके से है कि भाई जो जिस जिसका किसी के साथ ताल्लुक जोड़ा जा रहा है वो कोई इसम होगा जैसे ये किताब है अल्लाह की तो किताबुल्ला बेतु महमदिन कलामु हामिदिन इस तरीके से फिर इसम के बारे में हमने ये भी पढ़ लिया था जिन्स उसकी या तो मुजक्कर होगा या मोहनस दूसरी चीज पढ़ी थी हमने कहा था कि अदद वाहिद तस्निया और जमा पढ़ लिया था वसत में हमने कहा था कि या तो वसी होगा वो नकरा जिसको हमने कहा था या महदूद होगा तो मारफा हमने कर दिया था उसको फिर इसम की एराबी हालत तो ये जो चार चीजें अगर आप याद करें तो हमने कहा था कि मरक्ब तोसीफ़ी जब बनता है तो इन चारों की मुताबिकत होती है तो ये चीजें पहचाननी होती हैं आज से हम ये एक्सरसाइज करेंगे कि जो एस हम, हम पढ़ेंगे आज के लेसन में टोटल दो आयतें हैं पंद्रह एस एम पढ़ने उनके बारे में ये चार चीजें जो है ना वो मैं आपसे क्या कहते हैं पहचान करवा भी लूँगा और हम देख भी लेंगे उसको तो ठीक है ना कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बल्कि एक और भी चीज़ आएगी पांच चीज़ें करेंगे चले वहां पे अभी आते हैं तो जिन्स जिस तरह मैंने कहा मुजक्र या तो मुन्नस है, है उसी में से कोई होगी अदद में वाहिद तस्नियाँ और जमा हो गया वसत में नकरा और मारफा हो गया एराब में मरफू मनसूब मजरूर हो गया ये अब जिन्स के अंदर जो है न मुजक्र और मुन्नस में थोड़ा सा इसका जो लेसन आप पढ़ेंगे ना तहसीर कुरान का ये जो किताब है तो इसमें भी आप देखेंगे कि इन्होंने इसको इलेबरेट किया है थोड़ा सा इन तीनों कैटेगरी को और आज के लेसन में थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा कि आप कुरान पढ़ जा होंगे वहां पे अप्लाई करना होगा मोनस का सीखा क्यों आ गया है ये इस तरह की चीजें तकरीबन हर सफ़े पे एक आध जगह आती हैं तो इसको जरा आज अच्छी तरह समझ लें आप अगर कोई कमी है तो उसको पूरा कर लें इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे जब आप तहसील कुरान की तो और पक्का हो जाएगा मुजक्कर हकीकी तीन कैटेगरी हैं इसकी ठीक है ना एक पहली कैटेगरी कौन सी है हकीकी मुजक्कर यानी कि जैसे जोड़ा होता है जिसमें आपको पता होता है कि भाई लड़का है लड़की है भाई है बहन है तो ये हकीकी मुजक्कर और मोन्नस होंगे तो मोन्नस की भी एक कैटेगरी आएगी हकीकी की अभी जब हम उधर आएंगे तो।, तो ये आपको पता चल गया कि ये हकीकी मुजक्कर और मुन्नस है ठीक है ना इसमें बाप मुजक्कर ही होगा माँ मुन्नस ही होगी तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं हो सकती है ठीक है ना कि अरबों ने इसको मुन्नस कह दिया ऐसा कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं क्यासी, अब ये क्यास के ऊपर क्या होता है कि इसमें मुन्नस की कोई अलामत नहीं होती अब ये कैटेगरी जो है ना इसको समझने के लिए एक रूल नोट कर लें अरबी के अंदर हर चीज को आप मुजक्र ही समझेंगे जब तक के मोनस की कोई वजह ना हो ठीक है ना अब मोनस की कुछ अलामत है जब मोनस में आएंगे जैसे आखिर में गोलता आपने देखा था, तो अब अगर वो चीजें नहीं है तो आप क्यास कर लेंगे कि नहीं ये तो इसमें तो मोनस की कोई अलामत नहीं है तो ये मुजक्कर है ठीक है ना क्यास कर लेंगे उसको अब इसकी मिसालें भी अभी देख लेते हैं उसके बाद तीसरी चीज है जिसको कहते हैं समाई अच्छा ये भी एक मिस प्रोनाउंस होता है इसलिए मैंने जान के इसमें जबर लगा दी इसको हम तौर तो पे लोग सिमाई कह देते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है तो इसको करेक्ट कर लें ये समात से है ठीक है ना तो समा जो है वो जबर के साथ है सिमा नहीं है अरबी में ठीक है तो समाई होगा ये अरबों ने इसको मुजक्कर इस्तेमाल किया है अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी कोई लॉजिक नहीं है मगर अरबों ने किसी चीज़ को कहा है कि ये मुजक्कर है तो मुजक्कर है और किसी चीज़ को कह दिया है मुन्नस है जैसे मिसाल के तौर पर सूरज और चांद की मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको जन्नत जहनम की एग्जाम्पल दे दूं कोई लॉजिक नहीं है इसकी कि भाई किसको आप मुजक्कर कह रहे हैं किसको कह रहे हैं अरबों ने इसको कहा है हम भी उसको ऐसे ले ही ले लेते हैं कि अच्छा अरबों क्या ये मुजक्कर है तो मुजक्कर है ये चीज़ मोहनस है उर्दू में भी ऐसे ही है बहुत सारी चीज़ों का आपको नहीं पता होता कि क्यों मोन्नस है ये भाई मगर है बस इस्तेमाल में चला आ रहा है जैसे ये किताब की मिसाल ले लें किताब अरबी में मुजक्कर है उर्दू में मोनस हो गई कोई वजह नहीं है इसकी ठीक है ना उसके बाद मुन्नस में जिस तरह मैंने बता दिया कि के पहली कैटेगरी वही है हकी मोनस की लड़की बहन माँ जो भी इस तरह की चीजें फीमेल वाली जो आ जाती हैं वो सब हकीकी मोनस हो गई अब क्यासी मोनस भी है जिसके अंदर स की अलामत पाई जाएगी नहीं पाई जा रही थी तो हमने क्यास कर लिया था यहाँ पे जैसे गोलता है ठीक है ना या अलिफ मकसूरा भी और देख लेंगे उसको या हमजा तो इस तरह की कोई अलामत पाई जाएगी अभी तक आपने गोलता वाली मुन्नस पढ़ी हुई है मुस्लिम काफिरतन तो उसी काफिर, तो से चलते हैं ये जब अलामत पाई जाएगी तो वो क्या मुन्नस हो गया समी अरबों ने मुन्स इस्तेमाल किया आसमान जमीन अरबों ने मुन्स इस्तेमाल किया है ना वो हकीकी जोड़े हैं ना वो उसमें मुन्नस की कोई अलामत नजर आ रही है उसके बावजूद अरबों ने इसको मुन्स का हम भी कहते हैं मुन्नस से ठीक है इनको भी आज हम सीख लेंगे तो ये जितना अच्छा आप याद कर लेंगे ना खास तौर से तो ये वाली कैटेगरी आयात एप्लीकेशन उतनी आपके लिए आसान हो जाएगी तो आइए इसकी बारी बारी देख लेते हैं पहले मुजक्कर में आ जाए हकीकी हमने कह दिया अब उन कन्फ्यूजन नहीं है इसमें ठीक है ना मुजक्कर है के अंदर किताब उन कलम उन दिदार उन मस्जिद उन जो भी चीजें इस तरह की हैं जिसमें कोई अलामत नहीं पाई जा रही है आपके ये तो मुजक्कर याद रखें हर एक में होती है तो इसमें भी होंगी मगर वो आगे की बात है फिर समाई पे आ जाए तो समाई जो है वो मुजक्कर समाई अलग स्लाइड पे इसीलिए दे दी है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसमें सबसे पहले तो गोलता वाले चंद असम है जो मुजक्कर है हालांकि इसमें अलामत पाई जा रही है मुन्नस वाली आँखें में गोलता आ रही है मगर ये अरबों ने इसको मुजक्कर ही इस्तेमाल किया है मिसाल के तौर पर खलीफतन अलामत तलहतन कुछ और नाम भी है गोलता वाले इस तरह ठीक है जो अरबों ने मुजक्र इस्तेमाल किया है और हम भी उसको उर्दू में भी इनको मुजक्कर कहते हैं तो ये किस कैटेगरी में आ गए समाई ठीक है फिर जिसम के वो आज़ाद जो एक ही हैं हमने पढ़ा था कि जो जोड़ा है वो तो मुन्नस हो जाते हैं ना आँख हो गई हाथ हो गए इस तरह से मगर वो अजा जो एक ही है सर एक ही होता है जबान एक ही है पेट एक ही है दिल एक ही है सीना एक ही है ये सारे वो आजाए जो मुजक्कर अरबों ने इसको मुजक्कर कहा है तो मुजक्कर हो गए जिसम के वो आजा जो दो से ज्यादा हैं अब दांत आपके दो से ज्यादा हैं, बाल दो से ज्यादा हैं आपके तो ये भी अरबों ने मुजक्कर ही रखा है तो ये मुजक्कर मगर कौन से हैं समाई ठीक हो गया फिर कुछ आजा जो हैं तो दो लेकिन फिर भी अरबों ने इसको मुजक्कर ही रखा है अब ये एक्सेप्शन आ गई यहां पे जोड़े जोड़े मैंने कहा था कि जो है आंखें हो गई कान हो गए हाथ हो गए सब मोहनस है अरबी मगर कुछ चीजें होती तो दो हैं जैसे जिरा जिरा क्या है आपका बाजू कलाई से लेके कोनी तक याद रखिएगा पूरा बाजू नहीं है ये कलाई से लेके कोनी तक इसको कहते हैं जिरा जैसे वो सूर्य काफ में है ना वो उनका कुत्ता जो है वो अपने उस पर कुत्ता इसी तो तरह बैठा होता है ना जब देखते हैं आप तो वो जरा जो है उस जमीन पर उसने रखी या जिस हदीस में आता है कि नबी वसल्लम नमाज में हाथ कहाँ बांधते थे उसमें लिखा हुआ है कि जी जो दाया हाथ है वो बाएं की जरा के ऊपर होता था तो वो ये जरा जो है ना ये वो बाजू है मगर यहाँ से लेके कोनी तक का दो हैं मगर फिर भी अब आप कहेंगे अजीब सी बात है दो हाथ जो हैं वो तो मुन्नस हो गए ये तो लॉजिक कोई नहीं है मगर अरबों ने ऐसी रखा है खद उर्दू में भी खदो खाल इस्तेमाल होता है तो खद्द हैं तो ये भी दो मगर मुजक्कर हैं इसी तरह सुदाउन ये कनपट्टी ये भी दो हैं मगर मुजक्कर हो गई उसके बाद हाजिबुन अबरू या क्या इंग्लिश में इसको आईब्रोज कहते हैं हाँ अबरू और आईब्रोज एक जैसे ही है ठीक है तो ये भी हालांकि दो होती है मगर मुजक्कर आतिकन कंधे का पिछला हिस्सा जो है ना ये भी दो है अलग बैक शोल्डर जो है आपका मगर इसको भी अरबों ने मुजक्कर ही रखा है तो ये एक्सेप्शन हो गई कि जोड़े जोड़े जो है वो मुन्नस होते हैं सवाए इन जोड़ों के क्लियर हो गया अब मुन्नस की तरफ आते हैं तो सबसे पहले वही आसान वाला काम मोन्नस हकीकी देख लें हम मुन्नस हकीकी जो होगा हमारा अच्छा पहले इन्हें अलामतें बता दी हैं। चले अलामत पहले हम बात कर चुके हैं कि या तो उसके आखिर में गोल वाली ता होगी या अलिफ मकसूरा अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं जो उसके बाद या आ रही होती है तो उससे या से पहले जो हर्फ होता है उसके ऊपर एक खड़ी जबर जिसको हम कहते हैं तो आवाज़ अलिफ की निकलती है हमने कहाँ पढ़ा था कुबरा सोगरा याद है ना अकबर से कबीर से बल्कि अकबर बना था और हमने कहा था उसकी मोहनस है कुबरा इसी तरह असगर की मोनस हमने कहा था सोगरा है तो वहां पे मोहनस गोलता तो नहीं आई थी ना क्या आया था अलिफ मकसूरा या खड़ी जबर जिसको हम कह देते हैं उर्दू में इसी तरह एक अलिफ ममदूदा भी है कि आखिर में अलिफ के बाद हमजा होगा जिसको हमने तजी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जी इसको फिर मद ना भी लगाओ तो आपने खींच के पढ़ना है क्योंकि उसी लफ्ज़ के अंदर आगे आ गया रहा है चॉइस नहीं है आपके पास आपने जरूर उसको लंबा करना है ठीक है आगे हमजा आ रही है तो, तो ये आमतौर पर रंग जो है ना इस तरह के और सौदाओ काला रंग हो गया तो ये इस वजन के ऊपर आते हैं ये मुन्नस है ठीक हो गया तो हकीकी मुन्नस क्या होंगे जिनका जोड़ा होता है मुजक्कर मोनस का यहाँ पे उमन उख्तन बिनतन इसका तर्जुमा करने की तो मुझे जरूरत नहीं है सबको आता ही है माशाल्लाह से ठीक हो गया यासी वहां पर हमने पढ़ा था मुजक्कर कौन से वाले थे इसमें मोन्नस की अलामत नहीं थी तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा मोन्नस की फिर अलामत नजर आ रही होगी जन्नतुन सातुन आयतुन आयतारत वगैरह वगैरह अब आते हैं फिर समाई पे समाई कौन से हुए इसी स्लाइड में हमने बात की थी अरबों ने धार हाँ। ठीक है तो ये अब अगली स्लाइड पे इसको देख लेंगे मोनस समाई जहन्नम के सब नाम ये स्लाइड आप लोगों ने याद जितना अच्छा कर लिया ना उतना अच्छा आप इसको अप्लाई कर सकेंगे कुरने करीब में जब आयात के ऊपर हम आएंगे ये अभी बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है ना तो जहन्नम के सब नाम जो है ना वो मोहनस है चाहे उसमें कुछ नजर आ रहा हो आपको गोलता या नहीं नजर आ रही हो कोई मसला नहीं है नार उन जहन्नम शखर उन जहीम उन लजा हुत उन हावीत ये सब मुन्नस है हवाओं के नाम सबा सर सर उन दबूरुन री ये मुख्तलिफ़ किस्म की हवाएं हैं जो एक बहुत ही सर्द हवा होती है सुबह की हवा होती है तेज़ हवा होगी गर्म हवा होगी आम एक नॉर्मल वाली हवा है तो ये सारे नाम जो है ना ये सब मुन्नस इस्तेमाल होते हैं पुराने करीम में किसी आयत में अगर हवा का आएगा तो साथ में आप देखेंगे मोनस का सीखा इस्तेमाल हो रहा होगा फिर शराब के नाम खमर उन तिलाउन फुरतुम और भी ये सब भी मोनस हैं तो खैर इसकी तो हमें जरूरत इतनी नहीं पड़ती है पुरानी करीम में जिस आयत में आएगा वहां पर देख लेंगे बहुत कम ही है जिसम के वो आजा जो जोड़ा जोड़ा है अब ये वो मैंने बता दिया आपको जो जोड़े जोड़े हैं कुछ जोड़े मैंने बताए जो मुजक्कर में मगर ज्यादातर मुन्नस में ही है कदम उन पाओ आपके हो गए रिजलन टांगे हो गई आपकी पिंडलियाँ हो गईन कान कफ उन आपकी ये इसी तरह यद उन हाथ भी जो है आइन उन ये सारे जोड़े जोड़े हैं जो तो सब मोन्नस होते हैं और भी जो चीजें फिर कुछ मजीद भी आसमां हैं जो मोहनस है जैसे समाउन मैंने कहा ना कि आसमान है अब जमीन है उन्होंने अरबों ने मोन्नसी इस्तेमाल किया तो बस शमसुन सूरज हो गया अब यहाँ भी आप देखें कमर जो है वो मुजक्कर है चांद सूरज जो है वो मुन्नस है बुन जंग हरबुन जमीन हो गई का सुन क्या चीज होती है हाँ गिलास टॉबलेट का शेर था ना कल पाओ एक कास है सर पर जो आ गया ये वही है दलवन ये क्या होता है ठीक हाँ, है तो डोल या उस तरह का जो पानी कैरी करने के लिए मश्कीदा वगैरह इस तरह की चीजें होती है ना ये उसको कह रहे होते हैं अब हम आते हैं अदद की तरफ अदद में बहुत आसान था वाहद है तस्निया है या जमा है तो वाहद में जिस तरह हमने देख लिया किताब नबी में किताबानी नबी इसकी रबी हालत जब चेंज होती है वो अभी आगे आ जाएगा ठीक है जमा मुकस्र जमा की हमने दो किस्में पढ़ी थी ना जी तो जमा में हमने जब एक तो जमा सालिम पढ़ ली थी एक जमा मुकसर पढ़ ली थी जैसे यहाँ पे किताब की जमा कुतुबों ने रसूल की जमा जमलों ने फिर कुछ असमा ऐसे हैं जिनकी दोनों तरह से जमा आती है जमा सालिम भी होगी और जमा मुकसर भी होगी ठीक है ना मुकसर क्या था टूटी फूटी वाली हमने पढ़ा था ना टूट फूट होती है तो अब तो आपने किसी थ्री में पूरी गर्दान कर ली है कस्सरा यू तकसीर तो मुकसर और मुकसर दोनों आते हैं आपको वालेकुम अस्सलाम आइए सॉरी कुछ ड्राइनेस लग रही है तो नबीन से यूना भी बनेगा और अम्बिया बनेगा फिर हमने वसत की बात की या तो मारफा है या नकरा है तो नकरा जिस तरह हमने कहा कि इसका मफहूम जो है वो वसी होगा जबकि मारफा है जिसका मफहूम खास होगा जैसे हमने कहा किताब कोई भी किताब हो सकती है तो बहुत वसी मफूम हो गया अल किताब का तो अब एक कोई खास किताब हो गई ठीक है उन बलद किसको कहते हैं फिर मोहम्मद मदन ये अब अल तो नहीं लग रहा है मगर प्रॉपर पता है किसको कहा जा रहा है तो इसलिए भी ये मारफा की कैटेगरी में आ जाता है कुरान अल किताब अब ये खास हो गया मक्का तो एक खास शहर का नाम है अल बलादो किसी एक खास शहर का जिक्र करेंगे आप तो ये सब मारफा की कैटेगरी में आ गया तो ये पहचान भी जरूरी हो जाती है कि मारफा और नकेरा उसको भी आज हम अप्लाई करेंगे इन अच्छा फिर इसमें जो मारफा है ना इसकी सात किस्में हैं चार इधर है तीन और अगली स्लाइड पे आ रही हैं तो इसको याद कर लें कि ये सात किस्में जो है ना सबसे पहले तो इसमें आलम आ गया इसमें आलम क्या होता है शायद पहले हमने पढ़ा तो नहीं है ये प्रॉपर किसी का जो नाम होगा ना वो इसमें आलम आ जाएगा उसको कहा जाएगा जैसे अहमद मक्का कुरान जब कुरान की बात करेंगे तो पता है कि इसी किताब की बात हो रही है किसी और किताब की बात नहीं हो रही है ठीक है ना मक्का आप कहेंगे सबको पता है कि वो वाला शहर है ठीक है ना इसी तरह किसी का भी नाम लेंगे तो आपको पता होगा तो इसको कहा जाता है इसमें अलम अलम इसको याद कर लेंगे ग्रामर पढ़ते हुए आ जाएगा कि ये इसमें अलम है तो उस वक्त कंफ्यूजन ना हो रही हो जमायर आप सारे पढ़ चुके हैं डिटैच भी और अटैच भी सारे फिर असमाय मौसूला ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है पढ़ लिया नियाती अल्लाती माँ और मन भी हमने पढ़ लिया फिर असम इशारा भी हमने इसी तरह पढ़ लिया हाजा उलाका ही और किलका। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है तनवीर साहब अभी यहां कंसंट्रेट करें। आपको ये स्लाइडें सारी मिल जाएंगी तो तस्वीरें कुछ कुछ खींच के जमा करेंगे तो वो आप उसी में लग जाएंगे वो कंफ्यूजन ही रहेगी मैं सबको ये मना करता हूँ जब मैं स्लाइडें आपको दे रहा हूं तो फिर आपको जरूरत नहीं है ये तस्वीरें खींचने की उन्हीं स्लाइड में से स्क्रीन ले लीजिएगा बाद में जब चाहिए होगा तो सर यही तो मैं कह रहा हूं ना नहीं नहीं सर अभी इस कोर्स के अंदर जो है ना आपको जब मैं लेक्चर खत्म करके जाऊंगा अगर किसी अगर फर्स्ट करें नहीं भी याद रहा तो क्योंकि पहले हम इसलिए नहीं डालते हैं कि कुछ चेंजेस आज दोपहर को बैठ के हमने इन स्लाइडों में कुछ चेंजेस किए हैं आप लोगों को पता होगा कि आपने देखी हुई स्लाइडें तो कुछ नई चीज़ें आपको नजर आएंगी पुरानी जो लोग खास तौर से पहले क्यों सी सिक्स कर चुके हैं या रिपीट कर रहे हैं तो जो फाइनल स्लाइड्स होती हैं हम कोशिश यही करते हैं कि फिर वो आपके साथ शेयर की जाए तो विद इन दिस वीक आपको पी फॉर्म में वो मिल जाएगी आप डाउनलोड कर लें उसी ग्रुप में जो ग्रुप बनाया जैसे पिछले लेसन की मैंने डाली थी ऑल दो मुझे पता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें बुलेट्स लिखी हुई थी जब हमने क्लास में बात की थी तो एक एक बुलेट पे शायद बाज़ पाँच पांच मिनट भी हमने बात की है तो वो तो जाहिर सी बात तशनकी आपको रहेगी स्लाइड में एक बुलेट लिखी है आपको नहीं पता कि इस बुलेट के ऊपर बोला क्या गया था ठीक है ना मगर फिर भी चले कुछ नहीं से तो बेहतर हो जाता है तो बाकी तीन किस्में जो मार्फा की है चार हमें सात गई थी ना आपको तो चार पिछली स्लाइड पे देख ली थी बाकी तीन अभी देख लेते हैं मारफा भी अल यानी के अल लगा दिया हमने तो उसको फिर अब हमने नकरा से मार्फा बना दिया जैसे बैतुन कोई भी घर हो सकता था अल लग गया तो अल बेतो अर रज़ल अर, रजु, अर रजुलू और अल बल इसी तरह अगर वो मुजाफ इलल मारफा यानी कि कोई इसम है जो नकेरा नहीं है मारफा है उसकी तरफ दूसरा इसम मुजाफ़ हो गया हो मुजाफ मुजाफिल की जोड़ी जहन में लाए तो फिर अब अकेले में तो वो नहीं है मारफा मगर चूंकि अब उसकी पहचान उसके साथ लिंक हो गई है तो अब वो भी मारफा बन गया अब ये समझ लें जैसे अभी जमीर के साथ रहने दे इसकी जगह लिखा हो किताबुल्ला किताबुल्ल लिखा हो तो अल्लाह जो है वो क्या है मारफा है क्या ना है मारफा है ना अब अल्लाह की तरफ नस्बत कर रहे हैं हम किताब की तो किताब उन अकेले में तो कोई भी किताब थी मगर अब उसको मुजाफ कर दिया मैंने मारफा के साथ तो अब उसकी भी आइडेंटिफिकेशन लिंक हो गई उसी के साथ अब वो आम नहीं रही अब वो भी खास हो गई हालांकि ना अल लगा रहे ना कुछ कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है मुजाफिल मारफा ठीक है तो अब हु। बैत कोई भी बैत न करा है ना अल लगाएंगे तो मारफा बनेगा मगर मैं अल नहीं लगा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं उसकी नस्बत कर दी मैंने अब्दुल रशीद साहब की तरफ कि जी इनका घर है ठीक है ना अब वो किसी और का घर नहीं रहा अब उन्हीं का घर है हाँ जो भी जमीर लगा दें या नाम लगा दें वो एक ही बात है फिर इसी तरह ठीक है ना, सही? तो अल्लाह का रसूल है अगर किसी और का मैसेंजर है तो फिर वो कोई भी हो सकता है ना ये खास हो गया मस्जिद मस्जिद मस्जिदें बहुत सारी हो सकती है मगर किसी एक बस्ती की मस्जिद होगी तो आप कहेंगे ये खास हो गई उस बस्ती की मस्जिद है जैसे हमारे यहाँ किसी एक सेक्ट की मस्जिद हो जाती है कि ये उनकी मस्जिद जस्ट ऑन दाइटर्स आई ठीक है <laughs> <जस्तों दिलाइटर सागी। laughs> वैसे ये टॉपिक बहुत ड्राई होता है आपको पता है फिर नकरा मकसूदा इसकी के, आ, मतलब वो है टर्म असल में क्या होता है कि मुनादा जिसके साथ हरफ निदा लगा हुआ है अब अगर मैं कहूंगा सैफुल्ला को मैंने पुकारना है तो या सैफ तो अब सैफ पता है कि अब कोई और नहीं है अब ये या के साथ लग गया तो अब यही वाला है ठीक है ना तो इस तरह भी हो सकता है कि आ, किसी लड़के को मैं कह रहा हूं किसी आदमी को कह रहा हूं या किसी बुजुर्ग को कह रहा हूं तो फिर वो खास बुजुर्ग हो गए इस क्लास में कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं मगर मैं किसी एक को कहूं आ, जैसे जैसे आज है नहीं अपना सर पता नहीं ऑनलाइन आए अभी तक के नहीं आए मैं देख ही लूंगा लेकिन चलो आया हूं ऑनलाइन सर वेलकम माशाल्लाह देखा ना <laughs> तो शेख कबीर हां <laughs> अहलन कैफ हालुक अल्हम्दुलिल्लाह सर।, सर की कल एंजियोप्लास्टी हुई है तो आज सर रेस्ट कर रहे हैं सर को मैंने स्पेशल गेस्ट क्लास में किया हुआ है आज कि ही इज आल्सो प्रेजेंट तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर दुआओं में हमें भी याद रखें जजाक हाँ अपनी क्लास को हमेशा दो याद रखा करें <laughs> चले तो आ, इसी तरह कोई एक आदमी को, आदमी कोई भी हो सकता है मगर जब मैंने या लगा दिया तो अब खास आदमी हो गया वाला ठीक हो गया हाँ person, ठीक है चले नेक्स्ट हम आ जाते हैं एराब की तरफ काफी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं इसमें अगर कहीं पे आपको लगेगा कोई तश्नगी रह गई है तो आप रोक सकते हैं मुझे सवाल कर सकते हैं कोई मसला नहीं है एराब में हमने तीन ऐराबी आल पढ़ ली थी मरफू मंसूब और मजरूर इसम की बात हो रही है याद रखिएगा अभी हम फेल की बात नहीं कर रहे तो हालत रफ़ा में हमने कहा किताब उन रसूल नबीयन हालत नसब में हमने कहा किताबन रसूलन नबीन सिंपल सिंपल चीजें देख रहे हैं अभी हम कम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं हालत जर में हमने कहा किताबिन रसूलिन और नबीन अब आते हैं हम तस्निया के इराब की तरफ जो उस वक्त मैंने बात की थी कि तस्निया में भी तीनों तीनोंराबी हालतें होंगी मरफू अगर है तो हम उसको कहेंगे किताबानी तो अलिफ और नून से आनी की आवाज निकलेगी तो इसका मतलब है ये मरफू है ठीक है ना रसूलानी नबीयानी ठीक है जैसे यदानी ठीक है ना तो ये हालत है रफा में ये अब इसको हालत नसब में जब लाएंगे तो ये अलिफ जो है वो या से चेंज हो जाएगा मगर इससे पहले जो है वो जबर होगी याद रखिएगा किताब नहीं नबी यहां पे क्योंकि या था फिर भी हालांकि आम तौर पे जेर लगती है ना फिर भी यहाँ पे जबर लग रही है नबी क्यों इसलिए कि कंफ्यूजन हो जाएगी नबीन ठीक है ना जैसे जमा हमने मुस्लिम की जमा हमने पढ़ी मुस्लिमूना और मुस्लिम तो दो मुसलमान होंगे तो हम मीना तो नहीं कहेंगे ना मुस्लिम ठीक है ना ठीक है क्लियर है ये बात तो ये इसलिए याद रखेंगे जबर के साथ जब आएगा जब आप कहेंगे दो है कुरान करीम पढ़ते हैं बहुत लोग आमतौर पर गलती कर देते हैं कि जबर के साथ आया हुआ है मगर रवानी में वो जमा समझ के जेर के साथ पढ़ देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाती है पे जर इसकी वही है जो नसब है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक है ना उसी तरह तो तस्निया की भी हमने रबी हालतें देख ली आज जमा आप पहले हम पढ़ चुके हैं अगर इस फॉर्म में कुत, कुतुबन रसुल नबीना अंबियाऊ तो ये किस तरह बनेगा कुतुबन रसुलन और नबीना अब देखे वहां पर नबीना नबी, येना, नबी था ना उनके साथ देर थी तो अब नबीना हो गया इसी तरह अम्बियाू जो था वो अम्बिया बन गया ठीक हालत जर में कुतुबिन रसुल और ये दोनों हालतें वही रहेंगी ठीक है क्लियर हो गया माशा से यहाँ पे हमारा ग्रामर पार्ट खत्म हो गया है अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ ठीक ब्रेक यहाँ पे करने की जरूरत तो नहीं है आ, मेरा ख्याल है एक ही दफा हम मगरब की ब्रेक करते हैं और चाय की तो ब्रेक होगी नहीं आज मेरा ख्याल है क्योंकि आप लोगों ने कोई क्लास में अभी तक पिछली क्लास में मैंने कहा था कि भाई आप लोग कोई एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट कर लें ताकि वो इंतजाम किया करे आपके चाहे होगा दूसरी चीजें मगर आप लोगों ने किया नहीं था पिछली बार तो आज फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई एक कोऑर्डिनेटर जो है वॉलंटियर कोई कर दे आप ही लोगों में से जो कुछ छोटे मोटे इंतजाम होते हैं वो कुछ क्लास की तरफ से एक ही बंदा करता रहे तो अच्छा हो जाएगा पिछली दफा भी यही बात है सब लोग दूसरों की तरफ देख रहे थे मैं बताऊँ लेडीज ने फॉरन डिसाइड कर लिया था आज उनकी पूरी लिस्ट मैंने खुद प्रिंट करके दी है कि जिन्होंने चाय के इंतजाम करने वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं आप जिनकी मिसेस क्लास में बैठी हुई है नीचे उनसे ठीक है ना तो जेंट्स में पिछली क्लास में भी किसी ने वॉल्टियर नहीं किया था और आज भी कोई नहीं कर रहा है तो दिस इज रियली वेरी बैड अब यहाँ पर भी फिर हम यही कर सकते हैं मुदसर साहब लिस्ट बना लें आप बिकॉज नो बडी इज वॉल्टियरिंग और एक से शुरू कर दें आप अगले हफ्ते की चाय की अरेंजमेंट आप करेंगे उससे तो अगली आप हाँ करेंगे इस तरह मेरा ख्याल है तीस हफ्ते तो सॉरी बीस हफ्ते तो गुजर ही जाएंगे हमारे उसके बाद फिर दोबारा से शुरू कर दीजिएगा ठीक है ये अटेंडेंस वाली लिस्ट जो है वो सर्कुलेट करा दें अच्छा लास्ट टाइम कुछ लोग जो नहीं आए थे आ, उनको भी मैं बता दूं कि ये इसमें कुछ खाने मैंने खाली छोड़े हुए हैं। आप लोगों के पास चॉइस है अगर आप रेगुलर नहीं करना चाह रहे हैं इस कोर्स को आप ऑब्जर्वर कैटेगरी में आना चाह रहे हैं इसमें वगैरह होमवर्क शोमवर्क नहीं करने आपकी मर्जी है या आपने पहले किया हुआ है और आप इम्प्रूवमेंट के लिए आए कुछ लोगों ने किया हुआ है तो वो फिर इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में नाम लिख दें ऊपर से काट के मैंने तो रिज्यूम यही किया है कि जिन लोगों ने रजिस्टर कराया है उन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ है बट जिन लोगों ने किया हुआ है वो चाहे तो अपना नाम उस कैटेगरी में फिर लिख लें तो uh, सर आपने मेरा ख्याल पिछले बार चेंज कर दिया था तो आप हाँ किसी ने आ, आपने हाँ, खुद ही किया तो ठीक है ना। मैंने कहा मैं कहा देख के आप सरप्राइज ना हो रहे हो ए, मेरा नाम किधर आ गया <laughs> इसलिए मैंने भी अज्यूम इसीलिए यही किया था तो इसलिए लिख दिया आपका नाम ना ठीक है तो अः पिछली क्लास में जो लोग नहीं आए थे उनको बता दूं कि हमने बताया था कोर्स बहुत आसान है वीकली होमवर्क हम वैसे ही नहीं दे रहे हैं आपको पहला होमवर्क आएगा कुछ छह क्लासों के बाद तो, पहला कोई आएगा छह क्लासों के बाद और दूसरा कोई आएगा अगली छः क्लासों के, के बाद उस वक्त तक ग्रामर ख़त्म हो चुकी होगी फिर तो डायरेक्ट एप्लीकेशन पुरानी आयात ही पढ़ रहे होंगे तो वीकली होमवर्क नहीं मिल रहा है कुरान में जो आखिर में मशकें दी हुई हैं जी बताइए जी जी वो तो मैंने आपको बताया है ना कि भाई किसी ने किसी फाइव ही कम्पलीट नहीं किया और फिर भी आगे क्यूसी से बैठना चाह रहा है तो बस वो खामोशी से बैठता रहे तंग ना करे मुझे कि भाई हमें नहीं आता क्योंकि हमने तो पढ़ाया था आपको गया हाँ। गया तो मैं यही कह रहा हूं ना कि जिस आपकी चॉइस है आप ऑब्जर्वर में रहना चाहते हैं अगर आप रेगुलर में है तो डेफिनेटली हम सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे ठीक है सही अनलेस के जो लोग जिन्होंने पहले एडवांस कोर्सेस किए हुए हैं पढ़ा हुआ है उनको मैंने एग्जामेशन दी हुई है उनसे हम सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं वो रेगुलर में रह सकते हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने एडवांस पढ़ा हुआ है पहले ठीक है तो मुदसर साहब ये फिर लिस्ट आप ले लीजिएगा और एक सर्कुलेट फिर वो शेड्यूल बना ले जिस वो लेडीज बनाती हैं अपना और अगली क्लास से फिर इंडिविजल्स जो है वो करते रहेंगे ठीक है चले तो दो ही आयतें हमने पढ़नी आज अलहदुल्ला आयत नंबर 142 और एक अच्छा कोर्स में आपके आयत की तरकीब उतनी ज्यादा नहीं है ये मैं पहले बता रहा हूं आपको जिस तरह से कोर्स डिजाइन हुआ अभी शुरू में आगे जाके करेंगे करना है आगे जाके मगर चूंकि हमने आपको क्यूसी फोर से ही शुरू कर दिया था कि जो जो आप ग्रामर पढ़ते गए थे उसको अप्लाई हम कराते गए थे क्यूसी फाइव में तो बहुत ज्यादा जितनी पढ़ी थी हमने वो सारी अप्लाई करा दी थी तो हम पैटर्न यही रखेंगे कि आप लोग क्यूसी फाइव करके आए हैं तो क्यूसी फाइव तक जो ग्रामर पढ़ ली थी वो हम शुरू से ही अप्लाई करेंगे तो आयात की तरकीब हम शुरू से ही कर देंगे अदरवाइज डिजाइन ये है कि जब ग्रामर खत्म हो जाएगी फिर वहां से करेंगे मगर चूंकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे पूरा क्यूसी फाइव हमने इसी तरह आपको प्रैक्टिस कराइए कि जो जो ग्रामर पढ़ चुके हैं वो अप्लाई करते रहें और मेरा ख़्याल है उसका फ़ायदा भी है क्योंकि वरना पड़ी किस लिए अगर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो तो आयात में आपको याद होगा जहाँ पे आ गया इनना काना वगैरह की सीफाइल में हम बता दिया करते थे कि आप ही से पूछते थे कि बताएं भाई ये इसमों इनना क्या है और ख़बरों इन्ना क्या है और आप लोग बता भी देते थे इसी तरह वफ़ूात फाइल मफूल पूछ लेते थे हम आपसे मनसूबात पूछ लेते थे जो जो पढ़े जो नहीं पढ़े वो आप जो जो पढ़ते जाएंगे वो हम अप्लाई करते जाएंगे ठीक है ना क्यूसी फाइव तक जो हमने पढ़ा था वो पहला पारा मुकम्मल था बीस सफ़े थे जो पांच पांच करके तकसीम कर दिए थे क्यूसी सिक्स में आप देखेंगे कि हम सफा नंबर तेईस से शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आप कहें ये बीच में दो सफ़े कौन खा गया है तो वो जो सफ़े थे वो पेज नंबर वाइज नहीं थे वो हमने कहा था बस पांच सफ़े हैं नंबर भले उसका क्योंकि सूरत एक पे लिखी है सूरत की कुछ आए थे एक पे लिखी हुई नंबर इस तरह बढ़ गए थे वहाँ पे मगर अब हम जो मुसफ़ में आम तौर पे आपके सफ़ा नंबर होगा या इसमें भी इवन जो तालीम कुरान का पहला पारा है दूसरा पारा है आपका हाँ उसमें भी नंबर शायद नीचे दिया होगा ठीक है ना उसी तरीके से मतलब नंबर दिए हुए हैं ना तो हम उस तरह ही लेके चलेंगे कि सफा नंबर तेईस आज का लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री ए एंड बी है तो सफा नंबर दूसरी जुज का जो सफा है सर उसका नंबर आमतौर पर मुसफ में तेईस ही होता है ठीक है ना तो अभी मुसफ में जहां पे पारा जुज डोम शुरू हो रहा है सयाकूल आप देखेंगे सफा नंबर तेईस है तो अब हम इसको लेके चलते रहेंगे पहला पारा हम पढ़ चुके हैं पांच कोर्सेज में अब दूसरे पारे से चल रहे हैं तो सफा नंबर तेईस इससे आसानी ये रहेगी कि ट्वेंटी थ्री ए बी आज पढ़ रहे हैं सी डी अगली दफा पढ़ेंगे इसी तरह जब ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव पढ़ लेंगे यहाँ पे आपका एक पहला कोइज आ जाएगा फिर यहाँ पे आपका दूसरा कोईज आ जाएगा इस तरीके से करके हम कोई चार पांच में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे इनशाला डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से लर्न कर रहे हैं और किस स्पीड से अप्लाई कर रहे हैं उसको तो जब तीसरे पारे में आएंगे हम तो यहां से फिर फोर्टी थ्री से शुरू होगा यहाँ नोट भी लिख दिया कि सफात की तरतीब मदनी मुसफ से ली गई है उसके मुताबिक है मुकासद हम पहले क्यूजी फाइव के एंड पे भी बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी एक क्विक सा रिव्यू उसका कर लेते हैं कि सबसे पहला मकसद तो यही है कि आयत सूरत बकरा की एक से लेके दो तक पढ़ लें और हो सकता है हम तीसरा पारा भी पूरा कर लें अगर आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो।, तो क्योंकि पारा तो हमने आपको तीसरा वाला दे ही दिया है पुराने करीम के मजीद अल्फाज सीखना जो मतलब अभी तक हम सीख चुके थे वन से लेके फाइव तक अब और जो आ रहे हैं उनको भी हम सीख लेंगे इनशा फिर अल्फाज और मानी को आसानी के साथ याद करने की खातिर इशारात और फिक्रों को सीखना ये वही तरीका है जो वन से लेके फाइव तक हम कर रहे थे अभी भी जो जो आयते आएंगी उनके साथ हम यही वाला मामला करते जाएंगे इनशाला ठीक है तो मुझे साहब ये लिस्ट कर आप उसे लेकर के ना वो एक सर्कुलेट कर दिएगा फिर जो अरेजमेंट्स कर रहा है करे जो नहीं कर रहा है वो सब लोग दुआएं देंगे उसको ठीक है ना <laughs> सही है ये तो तजर्बा भी करके देख लेते हैं वैसे लेडीज में तो ये चल रहा है काफी अरसे से मुझे पता है कुरान करीम की तालीमत को अपनी जिंदगी में लाने का तरीका सीखना ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहला यही होना चाहिए मगर वो आई डोंट नो जिन लोगों ने कोर्स डिजाइन किया उन्होंने इसको काफी नीचे रखा हुआ है असल मकसद यही है ठीक है ना और कोई मकसद नहीं है ये जो हम आ, क्या कहते हैं दुकान सजाई हुई है ना इसीलिए सजाई हुई है <laughs> मकसद ये है हमारा ठीक है ना फिर वही टीपीआई के जरिए पहले जिस तरह हमने सर्फ की प्रैक्टिस की थी अब नाव की प्रैक्टिस करते रहेंगे जैसे आज भी हमने किया इशारे कुछ और चीजें भी आएंगी इसी तरह फिर कुरानी आयात पर सरफ़ और नाव के कवायद की मश्क करना ये वो वाली बात है जो आयात की तरकीब में अप्लाई करते रहे क्यूसी फाइव में भी हमने किया था और अब इनशाला सिक्स में भी हम करेंगे तो इसमें आप लोग बहुत आगे माशाला जो लोग क्यूसी सिक्स में आते हैं इतना आगे होते नहीं है आ, आप लोग माशाला से काफी आगे हैं क्योंकि क्यूसी फाइव में हमने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करा दी थी इसकी और आज भी जो आयात आएंगी आप देखिएगा उसमें अच्छी खासी चीजें आपको पहले से पता होंगी अलहमदुल्ला मुसलगा को बता दीजिएगा पच्चीस 25, 25 पच्चीस देगा दे और अब ये जो शुरू कर रहे हैं हम हम्स तो इसके भी पांच सफे जो है पहले वाले इसी तरह पांच उंगलियों पे आ जाएंगे अपनी तरफ अगर दोनों हाथ खोले हम तो पहले पांच इधर आ गए दूसरे पांच इधर आ गए तेईस से शुरू कर लेंगे हम तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस और इस तरह फिर हम और आगे चलेंगे तीसरा पारा भी तेईसवा सफा जो है इसको भी चार उसी तरह जैसे किसी सिफाइट में हम करते इशारों में तकसीम किया हुआ है ये कलर कोडिंग नजर आ रही है आपको पहली आयत का पहला इशारा दूसरी आयत का दूसरा इशारा उसके बाद तीसरी आयत का तीसरा इशारा और आखिरी जो हिस्सा इस इसमें दो आयतें ये चौथा इशारा बिल्कुल उसी तरीके से तो चार इशारे क्या हैं इनको देख लें अगर इन इशारों से आपको ये या आयतें याद रहती हैं बहुत अच्छी बात है एक दफा फिर मैं रिमाइंड कराऊंगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं और जिनके पास टाइम है जिन्होंने नियत भी की थी इस करने की तो जो जो हम आयतें पढ़ते जाते हैं उसको याद करते रहे एक हफ्ता है जैसे आज ये दो आयतें आप याद करेंगे एक हफ्ते में याद कर लेंगे अगले हफ्ते आएंगे आप तो उससे अगली दो आयतें कर लेंगे हम इस तरीके से तीन आयतें कर लेंगे तो इस तरीके से ये सूरत बार पूरी आपको याद हो सकती है जिस तरह मैंने क्यूसी टू से कहा था कि साथ साथ जो जो पढ़ रहे हैं वो याद करते चले जाए पहला इशारा क्या है किबला की तब्दीली दूसरा इशारा बोलेंगे तो याद रहेगा तब्दीली आज़माइश। तीसरा इशारा तब्दीली आपकी ख्वाहिश पर ये तब्दीली है क्या ये किबला की डायरेक्शन तब्दील करने की बात हो रही है वो वाली तब्दीली नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं अब तो वो तब्दीली हाँ अब एक और तब्दीली आ गई ना एडवांस वर्जन आ गया तब्दीली का ठीक है फिर इल्म एहले किताब को के ये हक है इससे आपको ये दो आयतें जो है वो याद रह सकती हैं तो ये हमारे चार इशारे हैं इनको आप मूली पे अगर देखें तो किबले की तब्दीली तब्दीली आजमाइश तब्दीली आपकी ख्वाहिश पर अहले किताब को कि ये हक है और और शॉर्ट में करेंगे तो किबला, आजमाइश ख्वाहिश ठीक है ना अलहमदिल्ला तारफ क्या है इसका पहले तो इसको पिछली आयतों से रिलेट कर लें जैसे अगर आप को याद होगा कि पिछली आयतें पहले जिसकी आखिर में जो आयतें थी उनके अंदर बात अहले किताब की हो रही थी कि मदीना में चूंकि अहले किताब थे उनका जो हसद था बक्स था मुनाफकत थी उनके अंदर वो सारी चीजें वही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है ये बात शायद मैं पहले भी कर चुका हूं कि ये जो तीस पारे बनाए गए ना ये इसमें कोई टॉपिक और सूरतें वते इनका कोई लिहाज नहीं किया गया था जिन लोगों ने भी बनाया उन्होंने इसलिए बनाया कि जी तीस दिनों में हम इसको पढ़ लेंगे या रमजान के एक महीने में तरावी में सुन लेंगे इस तरह से करके तो वो तीस हिस्से उन्होंने कर दिए बगैर देखे कि टॉपिक कहीं पे कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है क्या है वो इसके अंदर नहीं रखा गया आप खुद देखेंगे कि एक आखिरी आयत जो है वो नई सूर शुरू हो रही है वहां से किसी पारे में तो इसलिए पहला पारा खत्म हो जाना कोई ये नहीं है कि टॉपिक खत्म हो गया टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है वही वाला अब वो लोग एतराजात करते रहते थे पीछे भी हमने देखा है कुछ एतराजात तो अभी फिर एतराज वाली बात आ रही है इस चीज़ पे उनको एतराज़ हुआ था कि इन्होंने किबला अपना जो है उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज कर लिया है ठीक है ना अब यहाँ पे उसका जवाब दिया गया है इन दो आयत में जो असबाक हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला के फैसलों पर इतराज करने वाले बेवकूफ हैं मशरक़ मगरब और तमाम सिमतें अल्लाह ही की हैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादा आलनास का फरीजा सौंपा गया है और मोहम्मद वसलम अपनी उम्मत पर गवाह होंगे ठीक है ना यानी कि हम दूसरी उमतों पर गवाह होंगे और मोहम्मद वसम हमारे ऊपर गवाह होंगे ये इसबाक हैं फिर कुछ और इसबाक जो इसमें हैं कि मकदस को किबला बनाना और फिर खान काबा को किबला बनाने का हुक्म आजमाइश के लिए था ताकि मालूम हो जाए कि कौन रसूल की इतबा करने वाला है और कौन इतबा से ग्रेज करने वाला है इतबाए रसूल बहुत अहम है लेकिन आजमाइश है अल्लाह अपने बंदों के ईमान ज़ाय नहीं करता आखिर में एक दफा फिर हम इन असाक को देखेंगे नए अल्फाज जो इन आयतों में आ रहे हैं आप देखें टोटल दो नए हैं तकरीबन साढ़े छः लाइने हम पढ़ रहे हैं आधा सफा ऑलमोस्ट और सिर्फ दो नए लफ्ज आ रहे हैं अलहमदिल्ला इसका मतलब ये सारे लफ्ज आप पढ़ चुके हैं जो दो नए लफ्ज आ रहे हैं उनको हम सिर्फ देख लेंगे कि कौन सा नया लफ्ज है वो भी एक तो मेरा ख्याल है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तो इतना कोई नया लफ्ज नहीं है ठीक है ना एक ही नया लफ्ज आ रहा है मेरे हिसाब से अलहमद तो ये अल्लाह ताला जजाय खैर दे डॉक्टर साहब इन्होंने कोर्स इतना आसान तो कर दिया है कि अभी है। आप किसी सिक्स में जब आप आए हैं तो आधा आधा सफा जो है एक दो नए नए लफ्ज आ रहे हैं आपके बाकी सब आप जूं जू पढ़ेंगे समझ आता जाएगा तरीका हमारा वही होगा जो मैंने पहले बताया था कि अब पहले आयत को सुनेंगे उसके बाद लवजी उसका देखेंगे छुट्टी तो कर गया, गया सवेरे आएगा कहता दो मैं क्या कर्नल साहब क्लास पे बैठे मैं नहीं मांग सकता सुबह आई सारा काम सीढ़िया ने दस म्यूट कर दें सर बाकी सब बंद चला सर गौस अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज सर को आवाज नहीं जा रही है मेरी चलो अब ठीक है नहीं एक वही है सर बाकी तो हम मेरा इस मोबाइल पे और ये वाला है चले तो मैं बात क्या करता कि फिर हम जो फिक्रे हैं उनका तर्जुमा देखेंगे और फिर उसकी शरह देखेंगे और यहीं पर हम उसकी तरकीब भी करेंगे और जो मैंने बताया था आपको याद ही होगा कि तजवीज लाजमी इसके लिए नाजरा आपका ठीक होना चाहिए तो जब हम आयात के ऊपर आएंगे तो फिर आप लोगों ने पढ़नी है अभी तो हम सुनेंगे उसके बाद फिर पढ़नी क्योंकि ये मुझे बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ अभी पिछली टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर पिछली टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में जब हम वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे ना तो एक साहब जिन्होंने क्यू सी सिक्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लिया है वो क्यू सी वन की टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे एंड आई वॉज रियली सरप्राइज कि कोई एक आयत भी जो है ना वो सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे तो मैंने कहा उन्होंने वन टू थ्री फोर फाइव भी कर लिया है और अभी तक नाजरा की गलतियां उनकी ठीक नहीं हुई है जबकि हम हमेशा कहते हैं कि भाई तजवीज का कोर्स ले लें अपनी नाजरा की गलतियां ठीक करें हमारे पास पढ़ लें किसी और के पास पढ़ लें मगर करें जरूर यह काम तो अब आप क्यूसी सिक्स करने का पढ़ाने के लिए खड़े हो रहे हैं आप क्यूसी वन तो जो लोग पढ़ने के लिए आएंगे हो सकता है ऑडियंस में कोई हाफिज साहब भी बैठे हुए हो कोई कारी भी बैठा हुआ हो या कोई और साधों रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने आलिम शालिम का भी किया हुआ था कोई क्लास में बैठा होगा तो वो तो भाग जाएगा उठ करके यार ये पढ़ाने के लिए मुझे खड़ा हुआ है बंदा और इसका अपना जो है मखारिज भी ठीक नहीं है और तलफ भी ठीक नहीं है तो इसलिए आप लोगों को कहता तो मैं रहा हूँ अब यहाँ पे चेक होगा उसका ठीक है ना इस कोर्स के लिए लाजमी शराय दो ही थी कि आपने फाइव किया हुआ है और तजवीज आपकी ठीक है तो प्लीज अभी भी किसी की कमी रह गई है तो बजाय से क्लास में शर्मिंदगी हो रही हो टाइम लगाएं बहुत रिसोर्सेज हैं नेट के ऊपर इतने कोर्सेज मिल सकते हैं आपको उर्दू में भी हैं इंग्लिश में भी हैं हर बंदा मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने के लिए हर मस्जिद में एक आध आदकारी जरूर मिल जाएगा आपको पैसे लेके पढ़ाएगा ना दे दें पैसे क्या है पता नहीं कितने कोर्सेज हमने पैसे लेके किए हैं तो ये भी कर लें जरूरी थोड़ी है मुफ्त में ही कोई कोर्स कराया आपको मगर मखारिज ठीक कर लें और तजवीद के बुनियादी कवायद आने चाहिए आपको चले तो आइए इन दोनों आयात को हम पहले सुन लेते हैं और उसके बाद फिर लफ्जी और फिक्री तर्जुमा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمطرق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله منا سل رءوف رحيم. صدق الله العظيم. आगे चलने से पहले एक चीज़ और बता दूं ये भी पहले आ, पिछली क्लासेस में भी मैं ये बात कर चुका हूं कि अब जब हम पढ़ेंगे आगे तो इसी तरह से कलर कोडिंग के साथ होगा जो एक आ, इजी कुरान वाली वेबसाइट जो अलफला मंजिल वाली है वो भी मैंने आपको एक दिन क्लास में इंट्रोड्यूस कराई थी अगर याद होगा उसमें भी कलर कोडिंग इसी तरह हुई थी अब एक ऐप भी डेवलप हो चुकी है अलहमद जो आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगी आजकल उसका टेस्ट रन चल रहा है आ, उसमें भी यही कलर कोडिंग इसी तरीके से है कि जैसे अगर फेल आ गया है जाल कुम तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जाला की गर्दान आपके पास आ जाएगी और वहां पे यह भी पता चल जाएगा लिखा हुआ कि भाई ये फेल माजी है गायब का सीगा है वाहिद है मुद्दकर है ये सारी चीजें भी आ जाएंगी अलहमदिल्ला काफ़ी दिनों से डिमांड थी इसकी तो अभी ऐप बीटा वर्जन इज अवेलेबल आजकल हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी <laughs> तो वो टेस्टिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो आपको फिर ये आ, उस पर गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे मिल जाएगी और मेरा ख्याल है एप्पल का भी है एंड्रॉयड दोनों वर्जन आ रहे हैं उस पर इनशा तो वो बहुत अच्छा एंडी है, हो जाएगा इसलिए बेहतर है कि इस कलर कोडिंग से आप फेमिलियर हो जाए सब लोग सबसे पहले ये जो मरून सा कलर है ये फेल का है ग्रीन कलर जब आएगा तो ये फाइल नहीं नहीं फाइल होगा ग्रीन कलर फाइल है ये फेल है ये फाइल है यहां पर अब आप देखें कि यहां तक वल्ला फेल है मरून कलर नजर आ रहा है।, जो है ना ये मेजेंटा कलर आ गया है ये कलर जो है या पिंक कह लें आप इसको ये मफूल अगर जुमले में आ रहा है उसका कलर मिलेगा आपको उसके बाद अब यहां पे आगे चलते हैं हम ये वाला जो ब्लू है डार्क वाला ये सिफत ठीक है ना इसम मगर सिफत के तौर पे जब आ रहा है ये जो लाइट कलर है ना ये इसम के लिए है तो यहाँ पे आप लाइट और डार्क से आप देख लेंगे अच्छा भाई अल्लती जो है तो ये सिर्फ मगर सिफत के तौर पे आ रहा है मुस्तकीम यहाँ पे भी ये अल्लती जबकि ये वाले जो इस्म आ रहे हैं ये वसतन भी सिफत के तौर पे आ रहा है और इस तरह का भी होगा कि जोड़ियाँ जो है वो भी बातों का आपको हाईलाइट हुई मिल सकती हैं बॉक्स में बनी हुई मिल सकती हैं तो ये एक जोड़ी है या कोई हाल वगैरह जो है तमीज़ वो एक शेडेड उसमें आएगी ये सब चीजें भी आएंगी आगे जा करके जी बिल्कुल आ... नहीं ये जोड़ी नहीं है सर जोड़ी नहीं, नहीं दो।, दो अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं आ रहे हैं वहां पे आ रहे हैं हाँ अभी आ रहे हैं वो इन्ना से चलेंगे हम आगे आएंगे वहां पे इंशाल्लाह अभी पहले ये पहली वाली तो कर लेना नमाज का भी टाइम हो रहा है पच्चीस दस मिनट है हमारे पास चले तो मेरा ख्याल है हम लफ्जी तर्जुमा पहले कर लेते हैं फिर आएंगे उसके ऊपर सा यकू हमने पढ़ा हुआ है कि सा जो है वो अनकरीब उसके लिए आता है और फेल से पहले आता है ये भी हम पढ़ चुके हैं पहचान होती है फेल की कि उससे पहले सा या सोफा आ रहा होगा यकुलू जो आपको आता है मैं उसका तर्जुमा नहीं कर रहा हूं आप लोग खुद ही बताते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं यकूलू जो है अब फेल आ गया इशारा कर लेंगे पता चल जाएगा इतना नहीं सोचना चाहिए अकूल ठक से उंगली उठनी चाहिए फेल मुदार है वायद है ठीक है मुजक्कर है गायब वगैरह असुफहा सफी हन हमने पहले पढ़ा था ना ये उसकी जमा आ गई आता है सबको ठीक है मिन अन्नास लोग हो गए मा कौन सा वाला मा है ये ये इस्तेफामिया वाला मा है ठीक है ना कि क्या कौन सा वगैरह इस तरीके से वल्ला और होम ये दो लफ्ज मिल करके बना हुआ है तो वल्ला फेल है वल्ला इसकी पूरी गर्दान आपने की भी है छह चाबियां जल्दी से बता सकते हैं मुझे आप इसकी वल्ला की गर्दान पूरी कीजिए ना हमने हाँ और मस्त ठीक है ना हाँ तो ये अब ये ये काम हम करते रहेंगे जो फेल आपने पढ़ा हुआ है चाबियां उसकी आपको आनी चाहिए वल्ला और फिर हम जो है वो जमीर ठीक है अन से किबला तबलाबला तिम यहाँ पे वो जोड़ी बन के आ गया ना तो किबला भी पता है आपको और हम जमीर है उसकी ठीक है अल्लती इशारा कर दे जल्दी से ती अच्छा कंफ्यूजन हो रही है अभी तक हाँ अब कुछ कुछ सही आए है कुछ सही आए नहीं थोड़ा अभी भी गलत है ठीक है ना करें मेरे साथ हमने किया था आजा उलाई जालिका उलाई का अल्लाजी अल्लाजीना अभी याद आ गया कि डायगेनल ऊपर था कुछ लोग डायगेल कर रहे थे मगर नीचे कर रहे थे और अब मुन्नस आएगा तो हाथ चेंज होगा अल्लती और जमा उसकी हाँ पढ़ चुके हैं हम देखे और आज भी आया था एक स्लाइड के अंदर ग्रामर में मगर अभी पक्का नहीं है तो राइट हैंड जो भी उठा रहा था वो तो वैसे ही गलत था लेफ्ट हैंड जो उठा रहा था अगर इधर उधर कुछ कर रहा था कुछ लोग ऐसे भी कर रहे थे कुछ और भी कर रहे थे वो सब गलत था डायगनल जिसे नीचे किया है वो भी गलत है क्योंकि ये असमाय मौसूला है इशारा का लेवल हमने ये रखा था आसमाए मौसूला के वो जो वो सब जो रिलेटिव नाउ याद है ना तो ये इसको पक्का कर ले तो अल्लती हो गया तर्जुमा हाँ। कानू वो सब थे ठीक है अलहा उस पर कुल हाँ इशारा भी कर लेना फेल है ना कुल लाही आपको आता है अलमशरकू अल, अल मगरब मशरक और मगरब की डायरेक्शन हो गई यहदी इशारा करें हाँ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अभी भी कुछ लोग गलत हैं सर यादी सामने क्यों होगा छह चाबियां करें हदा यादि की <laughs> हदा यादि की छह चाबियां करें ना जल्दी से अदा, यहदी, एहदी, हादिन, और हिदायतुन या हुदन भी है आता साबे है बस सिर्फ ये कि उसको क्विकली रिकॉल करना है अब यही काम है हमारा बस यहदी मन आता है आपको यशा ठीक है शाह यशाओ ठीक है इसकी भी छह चाबियां जल्दी से कर लें। ठीक है हाँ और मशीया ठीक है ना चले तो ये सारे अल्फाज जो हमें इस के देख लिए हमने और मेरा ख्याल है अब हम यहाँ पे करते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो नमाज मतलब पढ़ के आ जाएंगे तो फिर हम इसकी तरकीब करेंगे पहले फिर फिक्रे और वो उन चीजों में जाएंगे ठीक हो गया तो किसी ने वजू करना है अभी कोई चार मिनट है चल करके वजू कर लें मैं इसको अभी स्टैंड बाई करता हूं अरे नॉसल लिमिटेड एक वैसे क्या अच्छा है तो वह बोस करते होंगे इसका सिविल क्वालिफिकेशन मेरा ट्रेवल करती है ना सिस्टम किसके साथ तो अभी जो आठ साल बाद है यहाँ से आने उसको दिए दिए بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده بلساني एक फिर खुश आमदीद आप सब लोगों को हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने ब्रेक की थी और मेरा ख्याल है अभी लाइट गई है और अब हम सोलर पे हैं तो कोई मसला नहीं है क्लास कंटिन्यू रहेगी आप फिक्र नहीं करें <laughs> इनशा तो जिस तरह मैंने कहा था कि अब हम तरकीब कर लेंगे फिर वो फिक्रे और असवाक वगैरह उस तरीके से तो अः पहली आयत जो है इसको मेरा ख्याल है हम दो हिस्सों में कर ले या एक एक ही हिस्से में कर लेते हैं राइट साइड से शुरू कर देते हैं जरा जोर से आपने तिलावत करनी है ताकि पीछे तक आवाज चली जाए इसकी

ख़ैरा हाफिज साहब की तिलावत सुन के आप लोग अंडर प्रेशर मत हो जाएगा ठीक है ना आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आप इनकी तरह तिलावत करेंगे मगर पढ़ेंगे जरूर कम से कम सही मखारज और तलफ के साथ बस इतना है मैंने कहा ऐसा नहीं हो बाकी लोग अंडर प्रेशर आ जाए सा यूलू सा मैंने बताया इसके लिए जो टर्म यूज होती है हर इस्तबाल यानी कि हाँ इस्ताल वाला हाँ ठीक है ये वो वाला नहीं है वेलकम ग्रीटिंग वाला इस्ताल नहीं है हाँ मुस्तबिल वाला हाँ हाँ इस्तबाल वो वाला है तो सा और सोफा हमने कहा था यकूलो फेल है और फेल मुजहरे जो है वो हमने कहा था कि जुमला इसमिया ही होता है जिसमें फेल भी है और फाइल भी है और हो सकता है आगे मफूल भी आ जाए ना भी आए तो फाइल तो आता है और कॉल जब आता है तो उसके साथ हमने कहा था कि एक मकबूला भी आता है तो यह भी एक तरकीब बनती है कि किसने कहा और फिर क्या कहा कॉल और मकबूला तो यहां पे अब यकूलों में कौन है फाइल सुफा क्योंकि आगे इसमें मरफू मुझे नजर आ रहा है अब यह मिनन नासी जो है ये एक जार मजरूर है और जार मजरूर मैंने आपको बताया था कि किसी के मुतक़ आ रहा होता है कहीं पे कुछ महजूफ़ होता है और कहीं पे आ, कुछ नज़र आ रहा होता है ये थोड़ी सी डिटेल वाली होगी तो इसको हम और आगे जाके करेंगे ठीक है जहां पे जार मजरूर आ रहा हो अगर जुमला फेलियर आ रहा है उसके अंदर किसके मुताल है कभी फेल के मुतालिक हो सकता है कभी फाइल के मुल्लिक हो सकता है कभी फूल के मतालिक कभी मुकभी किसी चीज के मुतालिक भी हो सकता है ठीक है ना अब यहाँ से मकूला उनका शुरू हो रहा है तो ये यहाँ पे मिनन्नास जो है ना ये इसके मुताल है माँ वाह माँ जो है यहाँ पे कौन सा वाला है हमने माँ की कई किस्में पढ़ी थी हर्फ भी होता है और माँ जो है वो

अच्छा जो चीज़ें इसमें से नहीं पढ़ी है हमने उस अगर आप को नहीं रिकॉल कर रहे फॉरगेट इट क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो एडवांस पढ़ के यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना तो मैं कुछ चीजें ऐसी भी बोल दूंगा बीच में जो नए लोग आए हैं जिन्होंने सिर्फ किसी फाइव ही किया कुछ और एडवांस नहीं पढ़ा हुआ है उनको हो सकता है थोड़ी परेशानी हो जाए तो कोई मसला नहीं है ऐसे मौसूल और उसके साथ जुमला सिला जो है इसको बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसी कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है वल्ला हुम, वल्लाह जो है वो हमने पढ़ लिया था कि फेल है और फाइल इसका क्या है हुआ होगा हुम जो है यहां पर नजर आ रहा है हमें मफूल तो इसलिए कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है हमें ठीक है अन किबलती अन हरफ जर है अन किबलती जार मजरूर एक और जोड़ी हो गई और ये भी मुत्ल किसी के होगा जाहिर सी बात है तो ये इस फेल के मुतालिक है मगर इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी छोड़ दें किसके मुताक है तबलत हिम जो है ये कौन सी जोड़ी है मुर्कब इजाफी आ गया मुजाफ़ की जोड़ी आपने पढ़ी थी ये वो वाली चीज आ गई मुजाफ मुजाफिल है तो अन और औरलती हिम हो गया अल्लती अल्लती क्या है इससे मौसूल है और इसके साथ फिर सिला जो है एक जुमला आ जाएगा जो कि कानू अल है अच्छा अब ये जुमला जो है कानू है तो हमने पढ़ लिया है कि काना कानू कुंता जो भी फॉर्म आएगी वो उसके साथ एक काना का एसिम होगा और एक काना की खबर होगी तो ये तो बहुत आसान है आपको नजर आ रहा है काना का एसिम क्या है इसमें सबको क्लियर है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ काना की खबर नजर नहीं आ रही है मुझे इसमें ठीक है तो अगेन वही वाली बात है कि अलिहा जो है ये जार मजरूर है ये खबर के मुताल है खबर इसमें मजूफ है छुपी हुई है तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है शिभ जुमला थोड़ा सा हम आगे जाकर के पढ़ेंगे ठीक है ना जार मजरूर हाँ शिव जुमला शिव जुमला जिसको शॉर्ट में कहते हैं ना ये वो है तो असल में ये मुतालिक के खबर मजूफ है शिव जुमला ना भी कहे ना आप, आप कहे जार मजरूर मुत्लिक खबर मजूफ जो छुपी हुई खबर है उसके मुतल है तो इसका एस तो नजर आ गया हमें ये ग्रीन में वाह हुआ फाइल वही है इसका स्मोक आना और ख़बरों को आना छुपी हुई है उसके बारे में यहाँ पे आ गया अल तो ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया जुमला जो ये सिल जो इस, इस हाँ इससे इस मौसू था और उसके साथ सिला तो ये मिल करके पूरा सिला तोल मौसूल जुमला कंप्लीट हो गया आगे आ जाते हैं अब यहाँ पे कुल अगेन वही कॉल वाली बात आ जाएगी इसके आगे मकूला आ जाएगा तो कुल कहा जा रहा है कहो क्या कहो लिला हिल मशरक अल मगरब अब यहाँ पे फिर मसला आ जाएगा कि ये जुमला पूरा आ रहा है पुल के बाद के कहो तो क्या कहो मकूला एक पूरा जुमला होगा पूरा जुमला नज़र आ रहा है मुझे अगर जुमला इसमिया है तो उसका मुबतदा और ख़बर नजर आनी चाहिए मुझे अगर जुमला फेलिया है तो फिर फेल नजर आना चाहिए यहाँ पे दोनों चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं तो अब थोड़ा सा तो गौर करना पड़ जाएगा इस पर आपको ला ही तो जार में है इसका मतलब है ये बड़ा क्लियर है कि किसी के मुतिक है अब किसके मुतल हो सकता है खबर से मुतल हो सकता है क्योंकि खबर मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है अल वल अलमगरब दोनों मुबतदा हैं मुबतदा अव्वल और मुबदा सानी खबर इसमें माजूफ है उस खबर के मुतल ला ही आ गया है अब जुमला मेरा पूरा हो गया ठीक है मुबतदा भी आ गया खबर छुपी हुई है मैंने बता दिया उसके मुतिक आ गया ला ये मकूला पूरा हो गया कौल के साथ आगे चले नया जुमला शुरू हो रहा है मुस्तकीम कौन सा जुमला यह है जुमला फेल से शुरू हो रहा है जुमला फेल यहदी फेल कौन सा है फेल मुजहरे ठीक है ना इसके अंदर फाइल छुपा हुआ है वो क्या है ठीक है तो अगर इसका फाइल मुझे आगे नजर नहीं आ रहा है कोई ऐसे मरफू हालत में तो फिर मैंने क्या बताया था कि इसका जो जमीर छुपी हुई है इसके अंदर वही इसका फाइल है तो अब हमें जुमला फेलिया फेल और फाइल तो पता चल गया अब मफूल चाहिए आपको ठीक है ना ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे यहाँ पे मन जो है ये है तो जो आपने माँ और मन जो हाँ पढ़े हुए मगर ये मफूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है मफूल भी ये थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे अभी नहीं मन अगेन इससे मौसू है तो इसके साथ फिर एक जुमला आ जाएगा जो इसका सिला होगा तो सिला जो जुमला शुरू हो रहा है वो एक फेल मुजहरे से शुरू हो रहा है यशाओ अब इस यशाओ में भी फेल तो शाह यशाओ है पायल इस जुमले में भी चाहिए आपको छुपा हुआ हो गया इला ये जार मजरूर है ठीक है ना तो अब ये किसी के इलाशरवात जार मजरूर जो है ये किसी के मुताल होगा ठीक है ना सही है मन यहदी मन यशाओ किस से मुतल हो सकता है ये ये तो गैस करेंगे तो पता चल जाएगा ये इलाशरातन जो है किसके मुतालिक है हाँ। सेकेंड अटेम्प्ट आपको नाम मिलना चाहिए ठीक है चले तो यादी के मुतालिक है ये ठीक है तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे आता रहेगा को, कोई परेशानी की बात नहीं है शरातिन के बाद सरात क्या ये? इस है इसमें ठीक है ना क्योंकि जार मजरूर है तो इसीलिए हमें हालत जर में नजर आ रहा है मुस्तकीम क्या चीज है यहाँ पे ये इसकी सिफ्त है और सिरात जब हालत जर में है तो फिर मुस्तकीम को हम कैसे पहचानेंगे कि ये नात मनूत या सिर्फ मौसू की जोड़ी हम जब बताएंगे इसको के जब मुताबक चारों चीजों में नजर आ रही होगी तो आप देख लें क्या इसमें जेंस अदद वत एराब हर चीज की मुताबकत है तो बस कंफर्म हो गया ये स... तो क्लियर हो गया तो यहां तक हमने इसको पढ़ लिया है माशाल्लाह आगे चलते हैं जुमले इसके देख लेते हैं और जो असबाक वगैरह है उसको वो देख लेते हैं तो ये जो पूरा आयत का ये वाला हिस्सा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो लोग बात कर रहे हैं कि किस वजह से क्यों उन्होंने कबला चेंज कर लिया तो कबला अव्वल जो है वो बैतुल्ला था ने मक्का की बुतप्रस्ती की मुखालफत में ने अहल किताब के केबला को कोबला बनाया वही खफी के जरिए ये एक तफासिर में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये हुक्म आया था और क्या हुआ था तो असल में मदीना में जो अहले किताब थे यहूद वगैरह थे उन्होंने देखा कि मुसलमान जब यहाँ आए हैं इन्होंने अपनी मस्जिद बनाई है तो उसका रुख वही रखा जो इनका इनकी मस्जिद का रुख था और ये उसी को कहते थे ये कबल अवल उनका उनकी हिस्ट्री के अंदर तो इब्राहिम इस्लाम ने जो काबा बनाया था वो आता ही नहीं था इन्होंने तो अपनी हिस्ट्री खुद बना ली थी ना इसलिए हालांकि इब्राहिम इस्लाम ने जो कबल अव्वल था वो वही बनाया था और उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी मगर दरमियान में जब शिफ्ट हुआ तो इस तरफ हो गया वो डायरेक्शन वही जो पहले पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि नॉर्थ और साउथ का ऑलमोस्ट वन एटी डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा था उसके अंदर तस्वीरें भी देखा होगा आपने तो इन्होंने फिर उनको कहना शुरू कर दिया गया जो एहले किताब का किबला है वो तो ये तो तुम लोग तो अहले किताब से अलग ही हो गया तो उसके ऊपर फिर ये आयत तो नाजिल हुई कि मदीना में चूंकि यहूदी कसरत थी तो उस वक्त जिस तरह वो डायरेक्शन में नमाज पढ़ते उस डायरेक्शन में नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी उससे यह हुआ कि यहूद को हुआ कि जी अच्छा ये मुसलमान भी हमारे कबले की तरफ करते ये हमें ही फॉलो कर रहे हैं तो जब ये चेंज किया तो तकलीफ भी हुई उनको तो सूरत हम चाहते इस तरह दूसरी आयत में आता है कि बार बार नजर उठती थी आसमान की तरफ कि भाई काबा से मोहब्बत थी उनको मक्का के खुराश आप देख लें सारा कबीला वही था पूरी मतलब कबाइल आते थे वहां पे हज के लिए और वो उसके मुतवली थे वहां के तो बैतुल्ला को किबला बनाने से बैतुलदस की मरकजियत ख़त्म हुई और बैतुल्ला को उमत मुस्लिमा का मरकज करार दिया गया तो अब इस पर ज़ाहिर सी बात दूसरे अहले किताब को काफ़ी तकलीफ होनी थी तो यहूद के एतराज़ का जवाब यह है कि मशरक और मगरिब सब सिमतें अल्लाई के लिए उसी के हुक्म से हमने बैतुल को किबला बनाया था अब उसी के हुक्म से बैतुल्ला किबला बनाया है यहाँ पे ये आयत खत्म हो गई है अब इससे जो अगली आयत है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं और इनशाला कोशिश मेरी होगी कि हम साढ़े आठ बजे इसको खत्म कर लें जो हमारा टाइम है तो सुन तो हम पहले चुके थे अब लफ्जी इसका तर्जुमा एक दफा पहले देख लेते हैं हम वाह कजाली का तो ये वाह जो है ये पीछे से मिल रहा है इसलिए आयत के साथ जिसको वाओ हम आतिफा कहते हैं अतफ यानी कि जो पिछली वाली जो कंडीशन थी वो सारी इसके साथ कंटिन्यू हो रही है जालिका ये जालिका जो है ये भी वही पीछे ते ते जो क्या कहते हैं किबला की तब्दीली वाली थी उसी की बात हो रही है जालना कुम जालना कुम इशारा करें फौरन मुझे पता चल जाएगा कि आपको आता है इसका तर्जुमा जालना हाँ जालना नहीं सर फेल माजी है ऊपर कहाँ जा रहे हैं कोम दोनों जमा है जालना भी एक उंगली तो हो ही नहीं सकती है ना दोनों तरफ चार ही उंगलियां होंगी जालना हमने बनाया जाला के टेबल किसी वन में किया था हमने जालना कोम ये करेंगे तो फौरन पता चल जाएगा कि हमें जाला की पूरी गर्दान आती है जल्दी से छह चाबियां कर लें जाया की जायालू जाला, जाल ठीक जालू, जालू, है उम्मतन वसतन उम्मत उम्मत होती है और वस्त दरमानी मतदल ये अब तफासिर में आएंगे तो फिर वहां पे देखेंगे कि इससे मतलब क्या है इसका ली ताके तकनू यह पढ़ चुके हैं लाम कौन सा था ये तालील तालील ताके वाला और इसकी क्या पहचान थी करता क्या था ये फेल मुजारे को जमा में अगर है तो नून गिराएगा वाहिद में क्या करेगा इस हाँ मंसूब करेगा गुड तो मैं ये सुनना चाह रहा था कि मंसूब कहीं से आता है या नहीं आता ये आपका इनाम सर पास कर दीजिएगा प्लीज तो वही आपको। इस क्यों मंसूब करता क्यों है ये लाम हरूफ नासबा में से तो नहीं है ये मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छी तरह की उसी फोर में इसलिए आपसे सुनना चाहूंगा मैं अन छुपा हुआ है ठीक है ना इस इस्लाम के आगे अन छुपा हुआ होता है ठीक है और वही अन क्योंकि नासबा में से है, तो इसलिए फेल मुदारे को हालत नसब में ले जाता है शोहदा गवाह अल्नास अला पर हो गया अन्नास आपको आता है व यकूना अब यहाँ पे जो यकूना आया है ये भी उसी वजह से असल में तो काना यकून होता है ना यकून हालत में फेल मुजारे क्यों आ गया वही वाली चीज ठीक है ना और हाँ और ये जो इसके आगे वाह आ रहा है अतफ वाला उसी के का असर इस पे भी आएगा और इसीलिए अदरवाइज कोई रीजन नहीं है जबर की अर रसूलो आपको आता है अलई भी आता है शहीदन गवाह व माँ ये माँ कौन सा वाला है नाहिया नाफी नाफी। नाफी है नाफिया है नाफ़िया आता है अल कबलता ये भी किबला हो गया अल्लती इशारा कर लें जल्दी से अभी पिछली आयत में भी आया अल्लती तो फौरन अब अब तो सही इशारा हो जाना चाहिए अल्लती का ठीक है ना है? सर अभी भी आप राइट से कर रहे हैं अब तो फाइन होना चाहिए आपको <laughs> ठीक है ना? पिछले वाले में हमने मुन्नस इसकी बहुत प्रैक्टिस कर ली थी अल्लाह कुंता कुंता का इशारा करें काना की गर्दान की ये हमने आता है इल्ला ये मगर है या सिवाय सिवाय इसना वाला है ठीक है ना तर्जुमा मतलब मगर उस तरह से कर देते हैं मगर असल में इस है इल्ला ली 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 ना अलमा। ली। वही वाला आ गया ठीक है इसलिए ना अलमु का इशारा करें ना अलमु का इशारा करें हाँ अलमु और अब ये ना नहीं इधर ही होगा ना हाँ बस ठीक है यहाँ पे जबर आ गया इसका मतलब है फिर वही अनछुपा हुआ आ गया ठीक है ना फेल मुजारे मनसूब मन कौन हो गया यद तबियो आपको आता तबाह यद तबियो की पूरी गर्दाना में आती है, है ना ऐसे ही छः चाबी जल्दी से कर लें मै तब रसूला मिन और मन मिल करके मिम मन बनता है ये भी हम पढ़ चुके हैं मिन जर है मन जो है वो इससे मैं तो ये जार की जोड़ी बन गई है आगे चले कालीबू इनकलाबु पूरी कर दान आती है उसी थ्री में हमने की थी छह चाबियां जल्दी से कर लेंब कौन सा हाँ इन और इसके माध्य के रूफ वही पलटने वाला ठीक है चले अला अकी दो एड़िया अकीबेन अभी जब इसे में आएंगे तो हम देख लेंगे और यहां पे क्योंकि मुजाफ मुजाफिला बन गया इसलिए वो हमें नून नजर नहीं आ रहा है अकी ठीक है ना और नून जब गिर गया है तो मिल करके फिर ये हागी जमीर के साथ आ गया आकेब है तो इसलिए अपनी दोनों एडिया लफ्जी तर्जुमा होगा उसकी दोनों एड़िया अगर हागी जमीर लगाएंगे तो ठीक है और हो गया इन कानत अब ये वाला इन है देखे यहां तर्जुमा बेशक हुआ हुआ है आपने तो इनका तर्जुमा बेशक तो नहीं पढ़ा ये असल में इन्ना है हाँ इन्ना है और काना वगैरह के साथ जब आता है ना तो ये फिर इसमें कमी हो जाती है छद हट जाती है दो नून से एक नून रह जाता है मुखफफा जिसको तो हम कह देते हैं ठीक है ना तो असल में ये इन्ना था काना से पहले आया है तो एक नून कम हो गई इसकी पहचान क्या होती है ये भी एक पहचान होती है कि इसमें आगे ला आ रहा होता है ये एक पहचान हाँ ये एक पहचान है तो खैर ये एडवांस है छोड़ दें इसको ला कबीर तो ये ला कौन सा वाला है ये बता दें मुझे ये आप पढ़ चुके हैं आ, ताकीद वाला है हाँ ठीक है ताकिद वाला है कहाँ पढ़ा था हमने जैसे लफी खुसर में पढ़ा था अलबत् हम इसका तर्जुमा कर रहे थे ना ये वाली चीज़ है हाँ ये एक इस, आ, क्लास में मैंने बताया आपके सिलेबस में तो नहीं था ये जब इन्ना शुरू में आ रहा हो ताकीद के लिए तो फिर ये ला जो है ताकीद वाला शुरू में नहीं आता है ये स्किड होकर के आगे पहुंच जाता है और इसीलिए इसका नाम है लामुजाह ये आप आगे जाकर के पढ़ेंगे ठीक है ना मुजाह लाम ये स्किड होकर के यहां से यहां पहुंच गया है आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम इसके इल्ला ये वही आ गया इस वाला सवाय अलना आपको आता है हदल्लाहु हदा ठीक है द अल्लाह अल्लाह ने हिदायत दी ठीक हो गया वाह मा और नहीं कान्लाहू काना भी आपको आता है अल्लाहू भी आता है ली युदिया ये लाम जेर ली जो है ना ये ताके वाला है ठीक है युदिया ये नया लफ्ज आ गया ठीक है ना जाय करना मगर उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको ठीक है ना कि यहाँ पे है जाए करे ठीक है ना और ये फिर फैल मुजाह मंसूब आ गया ईमान आप ईमान इन बिन नासी यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मैं तर्जुमा भी नहीं कर रहा ला रऊफ और रहीम ये जो ला है ये फिर ताकीद वाला आ गया और रऊफ और रही मुन जो है ये अब तरकीब में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या है ये तो रऊफ शफ़कत करने वाला बहुत ज्यादा ये लफ्ज एक नया आया तो ये टोटल दो नए लफ्ज आए थे आपके इसके अंदर जो आपने पढ़ लिए हैं तो जब तरकीब में आएंगे तो फिर हम देखेंगे ये है क्या अपेरेंटली तो आपको मरकब तो लग रहा है नहीं है है नहीं ठीक है ये भी आ, जब आएंगे तो आप ही लोग बताएंगे आता है आपको अलहमद इशारे वगैरह इसके देख लें या पहले कर लें तरकीब इसकी कर ही लेते हैं वजाली का बल्कि एक मिनट इसको भी पढ़ लेना पहले फिर करते हैं आइए वाह शुरू करके शहीदा तक आप पढ़ लेंगे ना। तो वाह और हो गया ये पीछे से मिल रहा है अतापुर जो टॉपिक पीछे चल रहा था वही आगे कंटिन्यू हो रहा है का हमने पढ़ा हुआ है जैसे वाला तो हरफे जा रहा है ये जाली का इसमें तो ये जार मजरूर की जोड़ी हो गई ठीक है ना का जाली का जाल नैल फाइल फूल सवार गया यहाँ पे उमतन हाँ जिसको बनाया गया हमने पढ़ा था ना कि एक किसको बनाया और क्या बनाया और वसतन जो है ये उसकी ये सिफत मसूफ की जोड़ी बन रही है कैसे बन रही है मुताबकत करें चारों चीजों में दोनों में ये नहीं सिमाई नहीं है सर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है इस्तेमाल दोनों के लिए होता है हाँ ये इसको नोट कर लें इसे कंफ्यूज कर सकता था इसलिए मैंने कहा बता दूँ आपको वसतन जो है ना ये दोनों मोनस के लिए भी इस्तेमाल मुजक्र के लिए भी इस्तेमाल एक ही लफ्ज है दोनों के लिए ली तकून अब अन छुपा तो तकून आपको आता ही है फेल मुजारे मनसूब हो गया और शोहदा जो है ये जमा। हाँ जमा है और क्या है असल में ये क्या था चेंज हो गया ना यहाँ पे शोहदा आ हो गया है। क्या था ये शोहदा उ था ये ठीक हो गया वो कलर वाली स्लाइड ना निकाल लो उसमें ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी फाइल मफूल वगैरह पहचानना जो है अभी शुरू शुरू में मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं करता मैं आपके लिए आगे जाके वही करेंगे मगर हम अभी ये करते हैं चले सही है तो जालना में मफूल आपको यहाँ नजर आ गया दूसरा मफूल उम्मतन बसतन इसकी सिफत आ गई लि तक ये फेल मजार मनसूब आ गया और शोहदा जो है ये भी जो है नहीं ठहरे ना अभी ये जब काना के साथ आ रहा है तो यहाँ पे एक एस एम का छुपावा होगा जो क्या है हाँ इसमें कहना तो है मगर है क्या अंतों में ना ठीक है ना और शोहदा जो है इसकी और काना की खबर हमने देखा है मंसूब होती है तो इसलिए मफूल ये नहीं है कंफ्यूजन मफूल की हो सकती थी मगर नहीं है आला के नसब में ठीक है अल जार मजरूर हो गया और ये मुताल किसी के हो गया शोहदा के मुत वाह और यकू ना अगेन वही आ रहा है और काना का इसम ठीक है अर रसूल यहाँ पे इसमो काना आपको नजर आ रहा है खबरों का आना जो है ये भी बहुत आसान हो गई सही बात ठीक है आगे चलें व माँ जालना वा और हो गया माँ नाफिया हमने कहा था नहीं वाला है जालना हमने बनाया तो फेल फाइल दोनों नजर आ रहा है क्या चीज़ अल रहा ये मफूल हमने नहीं अल्लती ये आया क्या चीज़ इस मौसूल आ गया ठीक है ना अल्लती यहाँ पे ऐसे मौसूल है इसके साथ सिला जो है फिर वो पूरा जुमला होगा मगर यहाँ पे कुछ पूरा जुमला उस तरह नजर नहीं आ रहा है कुंता अलहा है सिर्फ तो ये कौन सा जुमला है ये जु... पहले तो काना वाला है ना ये इसमो काना है सर फेलिया कैसे हो गया ये जुमला का काना आया है उसके ऊपर जुमला तो इसमें ही होता है ना वो असल में तो इसलिए इसको फेलिया नहीं कहेंगे हम यही कहेंगे कि काना का एहसिम और काना की खबर काना का एहसिम तो यहाँ पे नजर आ गया क्या है काना का एहसीम अंता खबर कहाँ गई अलिया, अलिया तो जार मजरूर है शिवो जुमला ठीक है ना हाँ मुत्लिक है उस खबर के जो छुपी हुई है ठीक है ना माज़ूफ इल्ला हरफ़े इस्तस्ना हमने पढ़ा हुआ है ठीक है ली ना आलम अब ये वहां पे ली ताके वाला आ गया अन वाल वाला नमू जो है वो नालमा बन गया जो है ना सिबतुल मुजारे में से इसलिए अभी शुरू शुरू में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि जहने बैठ जाए आगे जाएंगे तो फिर हम कह के गुजर जाया करेंगे इनशाला जब आप लोग थोड़े से रवा हो जाएंगे अभी आज छुट्टियों के बाद आ रहे हैं वैसे ही रवा करने में थोड़ा टाइम लगेगा मन क्या है ये हाँ है तो भाई मगर मफूल भी है और इसम मौसू के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है इसके आगे जो जुमला है वो सिला इसका आ रहा है यद तभी वो रसूला यद तभी है तो इसका फाइल मन में, मन नहीं मन ने कैसे मन ने कैसे यद तभी वो इसी फेल मुजारे के अंदर फाइल मौजूद है ना ठीक है ना वोगा। सही वोगा। हाँ रसूला जो है ये मफूल है ठीक है ना मिन और मन जो है ये वही जार मज़ूर हो गया यीबू तो मन क्या था अगेन इसमें मौसूल है और उसके आगे सिला क्या आ रहा है यन खलीबु अला अकीबई ही यन कलीबू फेल मुजारे है फायल इसका हुआ आ गया जो इसके अंदर छुपा हुआ है अला अकी असल में तो अकीबई नहीं है ना जार मजरूर हो गया मुतल किसके हो गया हाँ ठीक है और ये मुजाफ मुजाफिल है अकी बेही ये सबको समझ आ गई ना कि जब ये जोड़ी बनती है तो वो नून गिर जाता है पड़ चुके हैं क्यूजी फाइव में हम लोग बहुत अच्छी तरह इसको ठीक है वह और इन कानत ये मैंने वहां पे बताया था कि इन्ना जो है ये हल्का होकर के इन रह जाता है अगर काना के साथ आ रहा हो कानत जो है ये वही काना का एसिम आ रहा है काना का एसिम क्या है नहीं नहीं सर मोहनस है मोन्नसे सर हाँ ठीक है ना तो इसमो काना जो है वो भिया है और कबीरतन ठीक है ना ये इसकी खबर आ गई ठीक है ना उसके बाद इल्ला इलास्ना वाला आ गया लजीना जार मजरूर हो गया हद अल्लाही हद अला क्या है ठीक है हद हाँ। सिलातुल हालातलमौसूल सिला तो बन रहा है इसका अल्लाजीना के साथ तो हद अल्लाहि और अल्लाह जो है वो इसका फाइल बन रहा है ठीक है ना व मा कान अल्लाहु ये तो सब आपको आता है ठीक है हाँ काना का ऐसे हो गया ली उदिया ईमानकुम अब ये पूरा जुमला जो है ना ये उसकी काना की खबर बन रही है फिर इसमें ली आ गया जो ताके वाला है अन इसके अंदर छुपा हुआ है यु, यु, युदयो जो है वो युदिया बन गया और किस चीज को जाया करना है ये मफूल बेही है ईमान कुम मुजाफ मुजाफिल हो गया क्लियर है इन अल्लाह बिन ना से इन्ना इन्ना का इसम बिन ना से जार मजरूर उसके मुत्ल हो गया ल रऊफ रहीम ला जो है ये ताकीद के लिए आ गया वही है इन्ना लामुल कौन सा बताया मैंने का की यानी कि स्किड हुआ हुआ ताकिद के लिए क्योंकि शुरू में इन्ना आ गया वरना यहाँ पे ला ताकीद के लिए यहाँ पे आ रहा था मगर डबल ताक़द आई तो इन्ना और ला दोनों है तो ला कमजोर है वो आगे स्किड कर गया ठीक है रऊफ उन क्या अब क्या बनेगा रऊफ उन देखें अब ये सिफ्त की जोड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है है हाँ तो जब खबर है ये तो फिर अब ये खबर अव्वल है और ये खबर दो हो गई क्लियर हो गया तरकीब बहुत आसान थी इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है जो चीज़ें मुश्किल थी वो मैंने स्किप कर दी है ठीक <laughs> है ना हाँ आगे क्योंकि अभी ग्रामर और पढ़नी है ना तो जितनी सिंपल करके बता सकता था मैंने बता दिया आपको तो इन आगे जब जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें भी पढ़ा करेंगे इसकी कोई ऐसा मसला नहीं है तो लेसन हमारा तो कम्प्लीट हुई गया ऑलमोस्ट बस इसकी अभी वो देख लेते हैं असबाक वगैरह जो आ गए तो उम्मत वस्त का मफहम जो मैंने कहा थार में जाओगे एक ऐसा शर्फ और आला अशरफ और आला रहो जो फिरात और तफरीत और गुलू व तखफी से पाक हो ठीक है ना मतदल जिसको कहा जाता है तो अदल व इंसाफ का आलम बरदार हो ना यहूद की तरह मतलब एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा हो ना कि उन्होंने मोहम्मद ईसा का नबी मानने से इनकार कर दिया और ना नसारा की तरह का ईसा को बना लिया। तो ये दरमियान वाला काम है और फिर नबी का इनकार कर दिया इसमें जो साहब ने एक हदीस लेसन में शामिल की है उसको देख लेते हैं और जिस तरह मेरा ख्याल है में हम कर रहे थे तर्जुमा तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं ना अब हदीस का माशाल्लाह से वहां तक पहुंच गए तो आइए कोशिश करते हैं अन अभी अबू जो है अन की वजह से अभी बन गया पता है आपको सईदिन अभी सईद ठीक है ना हाँ और अल खुदरी काला उन्होंने क्या कहा क्या कहा खाला रसूल उन्होंने ये कहा कि रसूल ने कहा दो कहा आ गए दो काला अब ये क्या है दा यदू का मजहूल आ गया बुलाया जाएगा किसको नूहन हाँ अच्छा नू अगर जिसको बुलाया जा रहा है वो नूह है यहाँ पे तो तो मफूल हो गया ना है नायबलिए इसलिए इसलिए हाँ ये आप हाँ। पढ़ चुके हैं ना नायबुल फाइल महफूल नजर आ रहा है मजा आ रहा है ना आगे चले योमा योमल क्यामत योम जरफ है क्यामत का दिन योमल क्यामत फा और फिर कहा जाएगा ये फा वाला नहीं है ये वाला है सीक्वेंस वाला फलू ठीक है ना हाँ क्या कह रहे हैं लबई का व सादई का हाजिर हूं या रबी या रबी है असल रब फकुल तो क्या उनसे कहा जाएगा हल बल्लगता, क्या तूने पहुंचा दिया था है क्या पहुंचाया था फकुलू नाम हाँ क्या तुम लोगों को हाँ पहुंच गया था फकुल ना वो क्या कहेंगे मा अताना हम पढ़ चुके हैं ना हाँ तो हाँ नहीं आया था हमारे पास ठीक है ना मिन कोई डराने वालों में से ही नहीं डराने वाला तो फिर क्या होगा फल कौन तुम्हारे ऊपर गवाही दे रहा है मोहम्मद व अब ये ये कौन कह रहा है जब पूछा जाएगा कि तुम्हारा गवाह कौन है ये पूछा जा रहा है नू अलैहिस्सलाम से तो नू अस्लाम जवाब दे रहे हैं कि मोहम्मद सम और उनकी उम्मत कि तुम सब गवाही दोगे दोगेगा ठीक है बेशक पहुंचा दिया था तो अब ये बात है कि तुम सब मोहम्मद ने यह कहा कि तुम सब गवाही दोगे कि बेशक पहुंचा दिया था और नबी नबीसम जो है वो हमारे ऊपर गवाह होंगे ये हदीस में वही वाली बात है यहूदियों ने प्रोपेगेंडा किया कि मुसलमान कभी किसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं कभी किसी की तरफ जरूर दाल में कुछ काला है इस प्रोपेगंडे से बाज कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी मुतासर हुए हमेशा होता है आजकल भी आप देखें सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा आ जाता है बहुत सारे लोग उसके हामी होकर के और ढोल पीटना शुरू कर देते हैं तो कुछ मुसलमान भी मुतासर हुए लेकिन नाराज से हकीदे वाले मुसलमानों ने इसकी कुछ परवाह ना की बाद कमजोर मुसलमान भी इस पर साबित कदम हो गए हकीीका ऐसा प्रोपेगेंडा मुसलमानों के लिए एक आजमाइश बन गया था और अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमान इसमें साबित क़दम निकले तो जो सहाबा थे इल्म वाले और पुख्ता अकीदे वाले उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है भाई बराबिन आजम रजाना कहते हैं कि बहुत से मुसलमान तहवील कबला से पहले शहीद हो चुके थे हमें उनके मतलब शबा हुआ, हुआ कि उनकी अदा करना नमाजों का क्या होगा ये आजकल भी इस तरह की कन्फ्यूजन लोग क्रिएट कर देते थे अच्छा वो तो गलत कबले पर ठीक है ना तो अल्लाह तला ने यह आयत वमा वा, कान वानदिया ये आयत नाजिल की कि अल्लाह ताला किसी का अमल ज़ाय नहीं करेगा चाहे उस तरफ किबला था उस वक्त उधर का या उधर का हाँ सब अल्लाह के लिए ये सही बुखारी की हदीस है लाला तर्जुमा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि लोग अनकरीब कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे तुम कह दो मशक़ व मग़रब सब अल्लाह ही का है वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है और इसी तरह हमने तुमको मतदिल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगम्बर आखिर उस जमात तुम पर गवाह बने और जिस किबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर किया था कि मालूम करेंगे कौन हमारे पैगम्बर का ताबे रहता है और उल्टे कौन उल्टे पाँव फिर जाता है असल में यहाँ होना चाहिए और ये बात यानी वील कबला लोगों को गिरा मालूम हुई मगर जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है वो इसे गिरा नहीं समझते और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान यूं ही खो दे अल्लाह तो लोगों पर बड़ा मेहरबान और साहेब रहमत है लाइट अभी तक नहीं आई है चले असभा दो और प्लान देख के हम खत्म करते हैं इस बाग हमने शुरू में देख लिए थे एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि अल्लाह के फैसलों में इतराज़ करने वाले बेवकूफ़ हैं मशरक़रब और तमाम समतियाँ लाई की हैं उम्मत मोहम्मदियालीसम को शहादत अन्नास का फरीजा सौंपा गया है और मोहम्मद अपनी उम्मत पर गवाह होंगे बैतुलमकदस कोबला बनाना और फिर खान काबा कोबला बनाने का हुक्म आजमाइश के लिए था ताकि मालूम हो जाए कि कौन रसोल्लासम की इतबा करने वाला है और कौन इतबा से गुरेज करने वाला है इतबा रसूल बहुत अहम है लेकिन आजमाइश है अल्लाह अपने बंदों के ईमान को ज़ाय नहीं करता है क्या दुआ करनी चाहिए हमें कि अल्लाह हमें कुरान मजीद समझ कर पढ़ने और अमल की तोफ़ी कता फरमा ताकि मैं शहादत का फरीजा अदा कर सकूँ ये वही गवाही देने वाला हम इस काबिल होंगे तो वहाँ पर गवाही देंगे ना अगर खुद ही अपना ईमान गड़बड़ में है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी इन मैं कुरान हदीस को अच्छी तरह समझ कर पढ़ूँगा ताकि अल्लाह और रसूल वसम की इत करूँ और क़्यामत के दिन शहादत अलदनास भी दूँ शहादत देने वालों में हम भी शामिल हों होंमा और अफ़ाल देख लेते हैं वैसे वहां पर हमने देख ही लिया था सफ़ी उन पहले भी हम पढ़ चुके हैं अल के साथ होगा तो असफ़ी हो जाएगा इसकी जमा असफहा उम्मत ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं इसकी जमा है उमाम शहीद उन इसकी जमा हो गई आगे चलें अर रसूलो अर रसुल इसकी जमा हो गई अकीबन इसका तस्निया ये दो लिखा हुआ जमा नहीं अकीबई नहीं वहाँ पे हमने बता दिया था एडी और रहीम इसकी जमा हो गई रोहमा अफाल में आ जाए जाला की गर्दान छे चाबिया हमने उसी वक्त कर ली थी आगे चले अलीमा की क्यूसी वन से करते आ रहे हैं पूरी गर्दान आती है हमें है ना चले खाला यकूलु भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं काना यकून भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं स्किप कर दें मजीद वाले कौन से अफाले कलीब इसकी चाबी मैंने करा दी थी और यद तबियो दोनों की छः चाबियाँ हमने कर ली थी युदियों अदा युदियों देख सकते हैं हम हाँ पहले तो मुस्तकीम की देख लेना इसतकाम आता है ना हमें अदा युदियों देख लें यह नहीं आया होगा इसकी तो हमने पूरी इसतकाम की पूरी किरदान की हुई है ना तो अदा क्या है ये बाब कौन सा है बाबे है मादे के रूफ क्या है दाद ऐन है अदा युदी मुदीन मुदाउन और जाय करना उसने जाय किया इस, इस पे वजन, पे, वजन पे कौन सा फेल पढ़ा है हमने वो जल्दी से बता दें वजन पे अदा युदीय के वजन पे कौन सा फेल पड़ा है थ्री में हमने पढ़ा था रेफरेंस अकामा यकीमो भी था और अरादा अराधा ये दोनों पढ़ा गए हमने ठीक हो गया चले और माँ वाहम में कौन सा था वल्ला इसकी पूरी गर्दान हमने की हुई है कि उसी थ्री के अंदर याद है ना छह चाबियां जल्दी से कर लें और ठीक है थी, तोलियत हो गया अच्छा हाँ अब मैंने कहा था ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है यहाँ पे भी हुई है स्लाइडें आप मिलेंगी इसमें लिखा होगा मगर बेहतर है कि आप खुद करें इसको इसम को पहचाने यहाँ से कौन सा इसम है फिर इसम की अलामत लिखनी है आपने यहाँ पे फिर ये चार चीजें उसके बारे में जिम्स अदद वसत एराब जैसे सबसे पहले मैंने कहा था आजकल ऐसे ना पंद्रह ऐसे मारे हैं इसको खुद बैठ के लिख लेंगे आसान हो जाएगा आपका इसम आ गया यहाँ पे फाइल है अलामत क्या है इसम की अल है मुजक्र है जमा है मारफा है और मरफू है अन्नास भी इसी तरह अलामत अल हो गई मुजक्कर है जमा है मारफा है यहाँ पे मजरूर है ठीक है ना ये चार चीजें आपने पूरी इन, पूरे पंद्रह आसमां की करनी है यह आपका होमवर्क है एक तरह से समझ लें प्रिंटेड होमवर्क हम नहीं दे रहे किसी में कन्फ्यूजन होगी तो सोलूशन आपके पास अवेलेबल है के ये मुजाफ है किबलती हिम आया था यहाँ पे ठीक है और मोन्नस है वाहिद है मारफा है मजरूर है अल्लाह इसमें अलम अल्ला आज ही हमने पढ़ा है जी तो आपने क्यों नहीं लिया अभी तक ये तो आपका कसूर हैं? है आप लेट आए थे ना लिखाए उनको जाके कि भाई या नहीं अपनी क्लास में मैंने कहा था किसी को लिखाए कौन सा आप लिख रहे हैं कोई लिखे मुदस्सर साहब को मैंने मना किया इस क्लास के वॉल्टियर नहीं है वो उनको बना किया मैंने कि पिछले चार कोर्सेज से वो करते आ रहे हैं अब सम्बडियल शुड डू इट तो मुदस्सर साहब अगर आपने कोई लिखा है उसको फाड़ देना ठीक है हाँ सम्बडियल्स टू वॉल्टियर ठीक है सही है तो अगर आप लोग मुझे दे देंगे लिस्ट कितने लोगों को चाहिए उनके लिए मंगवा दूंगा मैं लाहौर से आती है यहाँ नहीं मिलती हैं ठीक है ना चले आगे इसमें अलम आज ही हमने पढ़ा है मुजक्कर वाहिद मारफा मजरूर हो गया अल अल अलमगरब दोनों अल से पहचाने जा रहे हैं मुजक्कर वाहिद मारफा मरफू हो गए शरात इसमें तनवीन है मुस्तकीम में भी तनवीन है दोनों मजक्कर हैं दोनों वाहिद हैं दोनों नकरा हैं और दोनों मजरूर हैं आगे चले उम्मतन वसतन दोनों में तनवीन आ रही है दोनों मजक्कर हैं मगर ये मैंने बताया था मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता ही है ठीक है इस्तेमाल है असल में मुजक्कर है मगर इस्तेमाल दोनों के लिए हो जाता है वाहिद है नकरा है और मंसूब है उम तुन जो है मेरा ख्याल है कि ये आ, मुन्नस होना चाहिए हाँ हो सकता है इसको मैं डिक्शनरी में चेक कर लूंगा कि हो सकता है यहाँ पे मुजक्कर लिखा हो या दोनों के लिए इस्तेमाल होता हो अभी आई एम नॉट श्योर इसको मैं चेक कर लूंगा ठीक है ना हाँ वही ना नहीं उमाम इसकी जमा है ना इसलिए ये मैं चेक कर लूँगा अल मुज़क़्कर वाहिद मारफा मरफू शहीदन तनवीन आ रही है मुज़क़्कर वाहिद नकरा और मंसूब अकेबेन मुजाफ है और ये हमने आज अमात में पढ़ा था कि मुजाफ भी होगा तो वो हो जाएगा मुजक्कर तस्निया मारफा मजरूर कबीरतन तनवीन है मोनस वाहिद नकरा और मंसूब, मनसूब मुजाफ़ है मुज़क़्कर वाद मारफा मंसूब, रवूफन तनवीन से पहचाना जा रहा है मुजक्कर वाहिद नकरा मरफू चले अच्छा ये भी आपने खुद पहचान करनी है इंट्रोडक्शन वाले लेसन में मैंने बताया था आपको हाईलाइटर लेकर के आपने हाईलाइट करना है इस अपने मुसफ के अंदर जो आपका पारा है या कुरान है जिसके अंदर भी तो ये आपकी एक्सरसाइज है जार मज़दूर को चाहे तो डब्बा बना लें चाहे हाईलाइट कर लें कलर से जो शिफ की जोड़ी है इशारे की जोड़ी है ताल्लु की जोड़ी है क्लास में ये एक्सरसाइज भी आज टाइम नहीं है आज का लेसन थोड़ा लेट हो गया है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ ये क्लास में भी हम करते होते हैं कि आपसे ही पूछेंगे पहचान के बताएं कि इस सफ़े के ऊपर कौन कौन सी जोड़ियाँ आई हैं तो आज के लेसन की एक्सरसाइज आप खुद कर लें अगले लेसन में इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे तो जजाकअल्लाह खैरा लेसन हमारा मुकम्मल हो गया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर ले सुभानकल्लाहु व बिहमदिक नशहु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सर अपनी क्लास में किसी एक को नोट करा दें जो

अलहमद अभी तक लाइट नहीं आई है मगर हमारी क्लास ठीक हो गई है। ये सोलर सिस्टम लगाने का ये फायदा है, हाँ वही ना सोलर सिस्टम का ये फायदा हो गया ना